गर्भगर्भस्थमेव बीजं विभासो आनन्दपुण्यभरमतशान्तिं प्रयच्छते प्रणाम समर्पयामि नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्षोद्यो समवर्तत पद्भ्यां मनुष्यों के
जप तप कर्म वह वहीं पर समाप्त हो जाते हैं, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। यह महोत्सव आरंभ करने से पूर्व हम सानिध्य देवता श्री दत्तानंद स्वामी जी, जो भक्त रक्षणार्थ अमृत संजीवनी समाधि लेकर हम सभी को रक्षा करते आए हैं, ऐसे महान सद्गुरु श्री दत्तानंद स्वामी जी का कृपाशील आशीर्वाद लेकर और पीठाधिपति श्री वैकुंठ दत्त महाराज जी का भी आशीर्वाद लेकर हम यह ज्ञान यज्ञ का आरंभ करते हैं, क्योंकि उन्हीं के असीम कृपा से यह कार्य हो रहा है। आज से 25 वर्ष पूर्व गणपत महाराज जी से मेरे पिताजी को श्री गुरुचरित्र नामक ग्रंथ न मिलता तो हम यह रजत महोत्सव कदापि न देख पाते। हम सबने किसी न किसी जन्म में दत्तानंद स्वामी जी का परम सेवा की है, तभी तो फलस्वरूप में हमें यह रजत महोत्सव करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए हम दत्तानंद प्रभु और श्री गणपत महाराज जी और श्री वैकुंठ दत्त महाराज जी और सारे तादलापुर वासियों को, सारे दत्त परिवार की ओर से तालियों के साथ सादर पूर्वक प्रणाम अर्पित करते हैं। हम सबने यह रजत महोत्सव कार्य करने का जब निश्चय किए थे तब हम आकर दत्तू महाराज जी से यह प्रस्ताव रखा कि हम यह रजत महोत्सव यहाँ पे मनाना चाहते हैं। तत्क्षण उनके चेहरे पे जो प्रसन्नता हुई वो केवल गुरु ही समझ सकते हैं, क्योंकि वैकुंठ केवल एक छोटा सा थैला लेकर यहाँ बीदर में आए थे। तब सारा बीदर में जो है हमें जो हाथ पकड़े थे वह दत्तानंद स्वामी का मठ ही था, जो हमारे पिताजी का हाथ पकड़े थे। तब से लेके आज तक निरंतर 32 साल तक हमारे पिताजी यहाँ का पूजा करते आए थे। किसी वह परम परम भक्ति का वह बात ही, इसलिए मैं सारे तादलापुर वासियों को और वैकुंठ दत्त महाराज जी के अत्र निष्ठा में नारद मेरे भक्त जहां पर मेरा नाम स्मरण करते हैं, हम सभी बैठकर भगवान का नाम स्मरण करते हैं, परंतु भगवान जो है तत्र तिष्ठा में नारद वहां ठहर कर पूजा भक्ति जो भी है वह स्वीकारते हैं, ऐसा कहते हैं। भक्त के प्रेम के लिए उन्हें शबरी के हाथ से झूठे पैर खाते देखा है, तो कभी कभार एक रथ के सारथी बनते हुए भी देखा है। ऐसे हमारे प्रभु तीनों लोगों में पूजनीय है, जिनके नाम से भूत प्रेत पैशाच असुर तत्क्षण भाग जाते हो, जिनके दर्शन मात्र से मानसिक शारीरिक पीड़ा परिहार होती हो, जिनके आगमन से यमदूत भी कांप जाते हो, ऐसे तीनों लोगों में वैदीप्यमान ब्रह्मा विष्णु महेश अवतार अत्रिपुत्र अनुसूया नंदन श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री श्री श्रीपाद श्री वल्लभ नरसिंह सरस्वती दत्तात्रेय भगवान को साष्टांग नमन अर्पित करते हुए फिर से हम सभी भक्तगणों का यह विश्व कल्याणार्थ रजत महोत्सव कार्यक्रम में तह तह दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। भक्तों की बहुत बड़ी सहायता यहाँ पर हुई है, भक्तों ने अनेकों भक्ति का यहाँ पर प्रदर्शित किया है। जब हमें हम जब यह रजत महोत्सव करने की जब आरंभ की थी, कम से कम 3 साल से हमने यह कार्य का तैयारी कर रखा था, तो हम प्रतिदिन 200 से 300 भक्तों का, कम से कम 7 दिन तक 2000 से 3000 भक्तों का अन्नदान की सुविधा की थी, परंतु भक्तों के सहायता से आज 10000 तक भक्तजन यहाँ पर भोजन कर सकते हैं, ऐसा सारे भक्तों ने सहायता की है। इस सहायता के फलस्वरूप में भगवान जो है आपको 10 गुना से अधिक जो है भगवत आपको प्राप्त करेंगे, ऐसे दत्तात्रेय के चरणों में सादर पूर्वक प्रणाम अर्पित करते हुए हमारा एक शंका है काशी से, क्योंकि किसी को प्रश्न हो या कोई शंका हो तो काशी को चिट्ठी लिखना यह परंपरा बनी आ रही है, फिर वहां से तो काशी को चिट्ठी लिखना यह परंपरा बनी आ रही है। कोरोना के समय में भी काशी को चिट्ठी लिखा गया था, फिर वहां से गुरुजी से यह प्रस्ताव आया कि महामृत्युंजय जप और चंडिका पाठ करने से कोरोना कमे है, क्योंकि काशी में विश्व के नाथ विराजते हैं, इसलिए काशी को विश्वनाथ मंदिर के मंदिर से नाम से भी जाना जाता है।
काशी आदि मध्य अंत से रहित है, परंतु आज हमें काशी को चिट्ठी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काशी से विश्वनाथ खुद चलकर हमारे यहाँ तातापुर पवित्र स्थान पर आए हैं। पवित्राणाम पवित्रयो, पवित्र स्थान को और भी पवित्र बनाने आए हैं। मंगलानां च मंगलम, मंगल को और भी मंगल करने आए हैं। यह हमारा सौभाग्य है, इसलिए प्रश्न तो पूछना बनता ही है, परंतु प्रश्न बीदर से है। गुरुजी, एक समय बीदर में, बीदर को विद्वानों की गढ़ भी कहा जाता था। बीदर में भी विद्वानों की कोई कमियां नहीं थी, और बीदर में विद्वान लोग श्लोक से पदक क्रम घन तैयार करते थे। एक समय ऐसा था, अगर किसी का चिट्ठी किसी कारणवश काशी तक न पहुंची हो या विलंब हो रही हो, तो दूसरा चिट्ठी बीदर को लिखा जाता था। ऐसा मैं नहीं, अनेकों विद्वानों का कहना था। बीदर में 5 से अधिक अग्निहोत्री रहा करते थे। विश्व में प्रख्यात पंडित शिवमोग्गा के पास मत्तूर नामक ग्राम से, जहां पर सारे ग्रामवासी संस्कृत भाषा में बात करते हो, उस गांव में केशव अवधानी और शामन्ना बोलके रहते हैं। वे भारत में सबसे बड़े विद्वान पुरस्कार सरकार द्वारा प्राप्त किए हुए हैं। वे एक बार हुन्नाबाद के समीप माणिक नगर आए थे। उन्हें बीदर आना था, तो मेरा वाहन का व्यवस्था किया गया था। हम हर्षोल्लास के साथ उन्हें लाने गए थे, क्योंकि उनका दर्शन होना भी भाग्य की बात थी। शामन्ना को कार में बीदर लेके आते वक्त वे हमें हितोपदेश देते हुए कह रहे थे कि हम बचपन में महीने में 10 दिन की अग्निहोत्र की शिक्षा लेने के लिए बीदर आया करते थे, और हमें कुछ भी प्रश्न हो तो बीदर को चिट्ठी लिखा करते थे। हम तो आश्चर्यचकित हो गए। बीदर में प्रख्यात विद्वान कैसे न होंगे, जहां पर दत्तानंद स्वामी जैसे गुरु अवतरित हो, जहां माणिक प्रभु जैसे संत आए हुए हो, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में माणिक प्रभु, अल्लम प्रभु, भक्त प्रभु जैसे गुरु उपस्थित हो, जहां दत्तात्रेय चारों अवतारों में बीदर आए हुए हो, जिस पवित्र नगरी में गुरु नानक देव वाहे गुरु हो, जिस नगरी में सिद्धारूढ़ जैसे महान गुरु का जन्म हुआ हो, जिस नगर को बसवन्ना का हेगलो कहा जाता हो, जिस नगर में झरनासुर को संहार कर उन्हें मुक्त करने के लिए साक्षात नारायण नरसिंह के रूप में अवतरित हो, जहां एक भक्त का पाप नाश करने के लिए साक्षात शिव हमारे इस नगरी में आकर भक्त के पाप नाश करके पापनाश मंदिर की स्थापना की हो, आज भी हमारे बीच अनेकों महात्मा संत हमारे बीदर में प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है, ऐसे वहां कैसे विद्वानों की कमियां हो सकती है। उन्हीं विद्वानों को साक्षी रखते हुए हम और बीदरवासी काशी से यही प्रश्न पूछ रहे हैं। मतलब अभी हमें चौथे चरण का लक्षण दिखाई पड़ रहा है। चौथे चरण के लक्षण सभी लोग 3 से 4 फीट के रहेंगे, अभी हमें दिखाई पड़ रहे हैं। सभी व्यक्ति स्वार्थी बनेंगे, ये तो 100% सत्य है। बड़ों का कोई आदर नहीं करता, सब लोग धन के पीछे पड़े हुए हैं। कोई स्त्री पति का सम्मान नहीं करती, पति के नाम लेने से पति का आयु कम होती है, पता रहते हुए भी पति का नाम लेकर पुकारती है, और पति भी पत्नी का सम्मान नहीं करता। सब दूसरों के अभिवृद्धि से चलते हैं, किसी का उत्कर्ष हुआ तो सारे संबंध मित्र नाते तोड़ लेते हैं। कोई ब्राह्मण संध्या वंदन नहीं करता, अनेकों प्रांत में हमें ऐसे दिख रहा है। कलयुग के अंतिम क्षण में कलयुग का आरंभ में नंद जी और यशोदा मैया को इसी घोर कलयुग का संकेत देते हुए गोलोक को जाने का आदेश तो ना दी थी। कृष्ण कहते हैं, अग्रे कलयुगो घोरः आगमिष्यति दुःखदः यस्मिन् वै पापिनो मर्त्या भविष्यन्ति न संशयः। आगे घोर कलयुग आरंभ होने वाला है, यहाँ सभी जन पापी बनेंगे, ये पापी प्रजा दुख करेंगे, इसलिए मेरे जो बनाया हुआ गोलोक है उस गोलोक को निकल जाइए। तब नंद जी और यशोदा मैया यह प्रस्ताव अस्वीकार करते हैं। तब कृष्ण जी और बोलते हैं, गच्छ नंद यशोदेत्वं पुत्र बुद्धिं विहाय च गोलोकं परमं धाम सार्ध गोकुलवासिभिः। हे नंद जी, हे यशोदा मैया, आप पुत्र बुद्धि को छोड़कर गोलोक को निकल जाइए। तब भी यह प्रस्ताव जो है अस्वीकार करते हैं। तब कृष्ण जी बहुत बड़ी बात कहते हैं, जो हम पर बिल्कुल बैठता है।
कृष्ण जी कहते हैं स्त्री पुंसोर नियमो नास्ति वर्णानांच तथैव च तस्मात् गच्छाशु मद्धाम जरा मृत्यु भयं भरेत। यहाँ पर कलयुग में जो घोर कलयुग आरंभ होने वाला है, यहाँ पर स्त्री और पुरुष कोई नियम नहीं करते। तुलसी का पूजन, प्रातः काल में पति से पूर्व उठना और जो नियम कहा गया है वह ऐसे कोई नियम नहीं करने वाले हैं। और वर्णानांच तथैव च ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये जो चार वर्ण कहा गया है इसमें भी कोई नियम नहीं करने वाले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं तस्मात् गच्छाशु मद्धाम जरा मृत्यु भयं भरेत। जहां पर बुढ़ापा और मृत्यु भय ऐसे कोई स्थितियां नहीं है, ऐसे सुने हैं मृत्यु लोग ऐसे सुने हैं, परंतु जो गौ की सेवा करते हैं बहुत श्रद्धा से भक्ति से, उनके लिए अलग सा लोक बनाया गया है। वह पृथ्वी से 10 अरब 22 करोड़ 19 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बीच में 3 करोड़ किलोमीटर दूरी पर एक वैकुंठ लोक भी आता है, वहां से 7 अरब किलोमीटर दूरी पर यह दो लोक स्थित है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है। तो तब जो है नंद जी और यशोदा मैया तत्क्षण यह प्रस्ताव स्वीकार करते हैं, क्योंकि जहां पर नियम नहीं होता वहां विद्वान लोग नहीं रहते हैं। हमने आज के जो सच्चे विद्वान हैं उनमें भी देखते आए हुए हैं। तब क्या सब परंतु नियम नहीं करते, क्या सच में हम इस कलयुग में इतने घोरी लोग हैं? कहीं हमारा आचरण देख के तो ना कृष्ण उन्हें गोलोक जाने का आदेश तो ना दी थी? ये सारे प्रश्न बने हुए हैं। और उन्हें गोलोक कैसे भेज दिया गया सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कृष्ण जी जो है इति ब्रुवति श्री कृष्ण रथं च परमाद्भुतम्, कृष्ण जो है रथ का आह्वान करते हैं, उन्हें गोलोक को जाने के लिए जो रथ का आह्वान करते हैं वह कैसा रथ था? तो अद्भुतों में अद्भुत, रथं च परमाद्भुतम्, वह बहुत अद्भुत था। वह रथ को हम देखने का तो दूर की बात है, सुनने मात्र से हमको वह रथ प्राप्त करना लगता है, ऐसे अद्भुत रथ था। इति ब्रुवति श्री कृष्ण रथं च परमाद्भुतम्, वह इतनी बड़ी रथ थी। पंचयोजन विस्तीर्णम पंचयोजन मूर्धगम्, वह 5 योजन चौड़ाई था और 5 योजन ऊंचाई रथ था। वह इतनी बड़ी रथ थी, 1 योजन का मतलब 12 किलोमीटर से अधिक जो है, एक योजन कहा गया है, तो पंचयोजन मतलब कम से कम 7 किलोमीटर से अधिक बड़ा रथ था वह। और पंचयोजन मूर्धगम उतनी ही ऊर्ध्वगम मतलब ऊंचाई भी वह रथ था। और वह रथ इतनी सुंदर थी, वज्र निर्मल संकाशम, निर्मल था वह रथ। आज के जो रथ है, आज के जो वाहन है, वह रथ मलिन है। हम जहां कहीं भी कोने में देखते हैं तो गुटखा खा के थूका हुआ दिखता है, परंतु वह रथ जो है निर्मल था और वज्रों से भरा हुआ था। वज्र निर्मल संकाशम मुक्ता रत्न विभूषितम, किसी भी कोने में देखिए मुक्तों से और रत्नों से आभूषित था। मुक्ता रत्न विभूषितम मंदिर नवलक्षैश्च, गोलोक का जो सेवा करते हैं उनके लिए मंदिर नवलक्षैश्च, 9 लक्ष से अधिक घर था उसमें, उस रथ में जो है 9 लक्ष से अधिक घर उनके लिए कृष्ण जी जो है सुविधा के साथ उस रथ का आह्वान किए थे। तो पंचयोजन विस्तीर्णम पंचयोजन मूर्धगम वज्र निर्मल संकाशम मुक्ता रत्न विभूषितम मंदिर नवलक्षैश्च दीपेर मणिमयेर युतम, वह रथ जो है उसमें दीप लगाने की आवश्यकता नहीं थी, वह मणियों से दीप की तरह प्रज्वलित दिख रहा था, दीप की तरह जगमगा रहा था वह रथ। तो इतनी सुंदर उतनी जो है कृष्ण जी रथ का आह्वान किए थे। उसके पश्चात जो है मुक्ता रत्न विभूषितम मंदिर नवलक्षैश्च सह, फिर उसके बाद सहस्र द्वय चक्रंच, उस रथ का जो है चक्र पहिए कितने थे? तो 2000 पहियों का वह रथ था। सहस्र द्वय चक्रंच सहस्र द्वय घोटकम, 2000 घोड़ों से भरा हुआ था वह रथ। वह घोड़े भी कैसे थे? हमारे घोड़े जो है पृथ्वी पर चलते हैं, वह घोड़े आकाश में चलने वाले घोड़े थे। वह सुंदर इतने विशाल रथ था वह। और सूक्ष्म वस्त्राच्छादितंच, सूक्ष्म वस्त्र से आच्छादित था वह रथ। सूक्ष्म वस्त्र का मतलब महीन वस्त्र,
रेशम वस्त्र की तरह एक वस्त्र है। भक्तों को कोई कष्ट न हो, जो गोपी सेवा करते हैं उनके लिए कोई कष्ट न हो, ऐसे सूक्ष्म वस्त्र साधनंच, और उन गो सेवा करने वालों को कोई तकलीफ न हो, इसलिए उसके अंदर सेवा करने के लिए कितने लोग थे, कितने सखिया थे। तो कृष्ण जी वहां पर आता है, सहस्रद्वय चक्रं सूक्ष्म वस्त्राच्छादितं च सखी कोटि भिरावृतम्, एक कोटि सखिया जो गोपी सेवा की है उनके लिए उतने सखियों का वहां पर, मतलब गोलोक को जाने के लिए इतनी बड़ी सुविधा थी। तो गो की जो सेवा करते हैं उनके लिए वहां पर गोलोक कैसे होगा, केवल यहां से वहां लेकर जाने तक इतनी बड़ी सुविधा की थी। तो गोलोक में तो और भी सुंदर, मतलब ऐसे कृष्ण कहते हैं। फिर हम प्रश्न की ओर आते हैं, हमारा जन्म का उद्देश्य क्या है, हमारा जन्म किस लिए हुआ है? क्या विष्णु भगवान यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तो क्या वे एक अवतार लेंगे फिर दत्त प्रभु के रूप में, क्योंकि 200 साल से एक अवतार लेते आए हुए हैं। धर्म की रक्षा के लिए प्रभु ही धर्म की रक्षा करेंगे क्या? फिर हम क्या करेंगे, धर्म की रक्षा कौन करेगा, धर्म किसका है, धर्म का मतलब क्या है, क्या हमारा कोई दायित्व नहीं है? सभी को कृष्ण ने गोलोक स्वर्लोक तपोलोक अनेकों लोकों को भेज दिया, परंतु वो यही रहे घोर कलयुग में हमें बचाने के लिए, इस घोर कलयुग से निकालने के लिए कृष्ण ने वेद शास्त्र उपनिषद जैसे महान ग्रंथों का निर्माण किया, फिर भी हम नाकामयाब रहे। फिर उन्होंने गंगा नदियों का और संतों का निर्माण किया, इसमें भी हम नाकामयाब रहे। फिर कृष्ण ने निर्गुण स्वरूप का उपासना करना कठिन होगा, इसलिए भक्त के लिए सगुण रूप में अवतरित हुए, फिर भी हम कामयाब नहीं हुए। आज भी हमें घोर कलयुग से बचाने के लिए श्री दत्त प्रभु ने यह रजत महोत्सव का निमित्त बनाकर वही कार्य कर रहे हैं। क्या हम इसमें भी कामयाब होंगे या नहीं? क्या हम हर दिन ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होकर दत्त प्रभु का महाप्रसाद लेकर भगवत प्राप्त कर लेंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा, यह फिर प्रश्न ही बना हुआ है। तो पहले चरण का यह स्थिति है, तो दूसरे तीसरे चौथे चरण कैसे होंगे, डर लगता है हमें। अब अंतिम प्रश्न है, आपने गत माह में बागेश्वर धाम में भक्ति का उपदेश देते हुए सभी भक्तों को कह रहे थे कि भक्ति एक महल है, हम अभी पहले छिड़ी पर स्थित है, हमें भक्ति करते करते इस महल तक पहुंचना है, परंतु हमें तो महल की बात छोड़िए गुरु जी, वह महल का जो पहली चिट्ठी है वह कहाँ है हमें वह भी पता नहीं है, क्या हम इस घोर कलयुग में इस चिड़ियों के पार भक्ति का महल तक पहुंच पाएंगे? वह महल में जो सारे ब्रह्मांड को चलाते हैं क्या हम उन्हें देख पाएंगे? यह सारा प्रश्न ही बना हुआ है, इसलिए हम सब आपको शिष्य देहम शादीमान त्वाम प्रपन्न। गुरु जी के पिताजी गणपति के अनेक अनुष्ठान जब करने के पश्चात गणपति स्वप्न में दर्शन देकर कहे हैं कि हम आपके घर में जन्म लेंगे, तत्पश्चात कुछ ही माह में गुरुजी का जन्म हुआ, इसलिए गुरुजी का नाम गणेश्वर शास्त्री से नामकरण किया गया। रजत महोत्सव का प्रथम दिन भी है, इसलिए हम यह सोचते हैं कि आज प्रथम दिन के अवसर पर गणपति ही हमें यहाँ पर उपदेश देने के लिए आए हैं। यह रजत महोत्सव और महोत्सव में गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ गुरुजी को दत्त परिवार की ओर से फिर से तालियों के साथ सादर पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। जय गुरु नानक, जय गुरु। समस्त भगवान दत्तात्रेय एवं स्वामी महाराज के उपासक श्रद्धालु, अभी आपने सुना धर्म के विषय में, भक्ति के विषय में वर्तमान जो स्थिति है उसके विषय में, तो कलयुग के बारे में अनेक प्रश्न यहाँ रखे।
प्रश्न इसलिए रखे जाते हैं कि उस पर कुछ विचार हो, कुछ मार्गदर्शन। ये हमारे यहाँ प्राचीन काल से परंपरा है। भगवान यही सबके रक्षक है। भगवान का एक नाम है सत्य। ये सत्य को ही धर्म माना है बृहदारण्य उपनिषद में। सत्य को धर्म, धर्म को सत्य। वेदांत सिद्धांत के अनुसार सत्य क्या है? जो सदा रहता है वह सत्य। पूर्वोक्त में भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। कभी वो नहीं होता ऐसा नहीं है, वही है सत्य। तो सत्य को एक धर्म नाम कहा गया है। जो सबका धारण करता है उसे धर्म करते हैं। ये परब्रह्म परमात्मा यही विश्व का धारण करते हैं। वेदांत सिद्धांत के अनुसार ये सारा विश्व स्वप्न के जैसा है। स्वप्न में जब तक हम सोए हैं तब तक वो चीज दिखती है, जगने पर दिखती है। वैसे ही जब तक हम अज्ञानांधकार की निद्रा में पड़े हैं तब तक इस विश्व में सत्य क्या है पता नहीं चलता है। जब गुरु कृपा होती है, संत महात्माओं की कृपा और वेद की पुरुष की कृपा, परब्रह्म परमात्मा की कृपा, तब ब्रह्म ज्ञान होता है। ये जो सच्चिदानंद ब्रह्म है यही धर्म है, यही सत्य है। बाकी सब चीजें के लिए दिखती है, वो बाद में चली जाती है। विश्वन दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतरगतम, ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में कहा गया है। ये संपूर्ण विश्व कैसा है तो कुछ नहीं रहता है, यह एक सिद्धांत। यह सिद्धांत जब तक सबको समझ में आना कठिन है, तब कहते हैं कि इस विश्व में तीन प्रकार के सत्य हैं। स्वप्न में दिखने वाला सत्य, ये प्रातिभासिक सत्य है। स्वप्न जब तक है तब तक वह दिखता है, जगने पर नहीं। दूसरा है व्यवहार में जो चीज दिखती है, व्यावहारिक तो सत्य है। जब तक व्यवहार है तब तक वो दिखता है। और परमार्थ सत्य, परमार्थ रूप में सत्य क्या है? तो सच्चिदानंद यही है, जो त्रिकाल में अबाधित, पूर्व में भी वो रहा, आज भी है। विश्व के सब जो जो चीजें हैं ये कुछ समय तक रहती हैं, सदा नहीं रहती। इसलिए योगी महात्मा, ज्ञानी महात्मा इसमें नहीं रमते। वो जो शाश्वत सत्य है यानी सदा रहने वाला, उसमें रखते हैं। इसी सिद्धांत के आधार से हमारे यहाँ मुख्य है वेदांत शास्त्र। वहां तक पहुंचने के लिए सारे शास्त्र हैं, सारी विद्याएं हैं। वेदांत का जो प्रतिपाद्य है परब्रह्म परमात्मा, उसके उपासना दो प्रकार से होती है, एक निर्गुण रूप से और एक सगुण रूप से। निर्गुण रूप से परमात्मा का है कि कोई शरीर वगैरह कुछ नहीं, निराकार है। और सगुण जो है वो भक्तों के लिए है। इस हिसाब से हर एक युग में ही भगवान अवतीर्ण होते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करहि अनित जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेन सुरधरनी, तब तब प्रभु विविध सनीदा, अरहि कृपा निज सज्जन कीरा। ये रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जब जब धर्म की हानि होती है और असुर अधम अभिमानी ये लोग बढ़ते हैं और अन्याय बहुत होता है और विद्वान लोग वैदिक और धेनु माने गाय, सूर्य यानी देवता, धरणी माने पृथ्वी, तब तब प्रभु विविध शरीर अनेक अवतार धारण करते हैं
और हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा, सज्जनों की पीड़ा को का हरण करते हैं। इस क्रम में भगवान का अवतार सदा होते रहता है, हम लोग समझ नहीं पाते लेकिन उनका अवतार होते रहता है। अवतारा असंख्याः हरे है ऐसा भागवत में कहा है, तो इसलिए निराश होने की कोई बात नहीं है। हर एक युग में अवतार हुए हैं, आज भी अवतार होते रहते हैं। इस क्रम में अभी निकट में यही पास में क्षेत्र है, माणिक प्रभु हो गए 200 साल के पूर्व, तो दत्तात्रेय के भी अवतार माने जाते। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पास जो गोवा कोंकण आदि प्रदेश है, उधर माणगांव में वर्देवानृति टेम्बे स्वामी महाराज अभी हो गए। ये सब भगवान के अवतार है। इसके अतिरिक्त 2500 वर्ष के का इतिहास देखते हैं तो कितना भी कम करेंगे तो 200 से कम सत्पुरुष अवतीर्ण नहीं, इससे अधिक ही होंगे। तो वे भी सब भगवान के अवतार हैं। तो वा तत्देवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवं, ये गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। यद्यत विभूतिमत सत्वम, जिसमें विशेष कुछ ऐश्वर्य दिखता हो, श्रीमद ऊर्जित ऐसा हो, वहां श्रीमद्दा भी हो, उन सबको समझना मेरा ही अंश है। अभी निकट में कांची शंकराचार्य, चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामी महाराज ये भी इसी श्रेणी में आते हो गए। उनके अनेक चरित्र हैं, दिव्य चरित्र, उनको देखने से ये मालूम होगा ये मनुष्यों से संभव नहीं है। तो भगवत अवतार की परंपरा चलती रहती है, उसे समझने में एक कठिनाई होती। स्वयं भगवान महाविष्णु भी कभी मत्स्यावतार लेते हैं, कभी तो कच्छप का लेते हैं, कभी वराह का लेते हैं, कभी नृसिंह लेते हैं। तो उस परिस्थिति में उनको भगवान को समझना, भगवत अवतार को समझना कठिन है। भगवान के अंश के रूप में जो यहाँ पर महात्मा है उनको कार्य सौंपा रहता है। जब ऐसी कोई विपत्ति आती है कि उन महात्माओं से उसे दूर करना कठिन होता है तो भगवान स्वयं अवतीर्ण होते, ये सिद्धांत। धर्म की जो परिभाषा है, परब्रह्म परमात्मा तो है ही है, लेकिन दूसरी परिभाषा यह है धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजाः यस्या धारण संयुक्तं सधर्म इति निश्चयः। धारण जिसके द्वारा होता है उसे धर्म कहते हैं। अब देखिए हमारे सेना विभाग में सीमा में आतंकियों से लड़ते हुए वो भी धर्म है, कोई शरणागत आया, परमात्मा की सेवा में निरंतर लगे रहना चाहिए और इसी भक्ति प्रेरणा देने के लिए यहाँ पर भी 1000 वर्ष पूर्व परम पूज्य दत्तानंद स्वामी जी महाराज की शिष्यों सहित संजीवन समाधि है, वे वहां से हमारी रक्षा करते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान के पास इन लोगों का भी कल्याण करो, उनका भी उद्धार करो। स्वयं समुक्ति यशु दुस्तर जुमन भवान गंभीर मद प्रसुदा भगवत पदा घोर भदा मंत्र दे निधाय याता सर मंत्र हो भवान। श्री कृष्ण जिसमें देवकी के पेट में गर्भ स्थिति में रहे उसमें ब्रह्मा शंकर जी आदि देवता आए थे, उन्होंने जो गर्भस्थित श्री कृष्ण की स्तुति की है उसमें का यह एक श्लोक है। इस श्लोक में ये कहा गया है कि सत्पुरुष लोग इन दुस्तर भव सागर के को पार करके गए और साधारण लोग भव सागर को पार कैसे करें, इसके लिए उन्होंने भगवान के चरण कमल रूपी नौका को यहाँ रखा है। जो लोग भगवान के
आपके चरण कमल का आश्रय करेंगे उनको भवसागर से भगवान पार करने करा देंगे। क्यों? भगवान का एक नाम है सदनुग्रह। सदनुग्रह की व्युत्पत्ति है सत्सु अनुग्रह यस्य सः सदनुग्रह। सत्पुरुषों के प्रति हम निशस्त्र रह करके इस युद्ध में मदद करें पांडवों की ओर से। एक दिन भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि आज युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को आयुध धारण करा के छोड़ेंगे, इसलिए उस दिन घनघोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भीष्म के सामने युद्ध करने में अर्जुन भी कमजोर पड़े तो भगवान रथ से उतरते हैं, हाथ में चक्र लेकर के भीष्म के सामने जाते हैं, भीष्म पर वार करते हैं। भीष्म पितामह उनको हाथ जोड़ते हैं। भक्त की प्रतिज्ञा झूठी ना हो इसका पूरा ध्यान भगवान रखते हैं। उसमें भगवान की प्रतिज्ञा भले ही टूट जाए, गीता में एक वाक्य है कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। वृंदावन में रहे अखंडानंद सरस्वती स्वामी महाराज कोई कहते थे कि अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुम प्रतिज्ञा करो कि भगवान के भक्त नष्ट नहीं होंगे। प्रश्न ऐसा आया कि अर्जुन के द्वारा प्रतिज्ञा क्यों करा रहे हैं, भगवान क्यों नहीं कहते मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। तो कहते हैं कि भगवान यदि स्वयं प्रतिज्ञा करेंगे और भक्त की प्रतिज्ञा उसके विपरीत हो जाएगी तो भक्त की प्रतिज्ञा झूठी ना हो इसके लिए भगवान को अपनी प्रतिज्ञा झूठनी पड़ेगी। इसलिए भक्त अर्जुन के द्वारा ही ये कहवाया कि तुम प्रतिज्ञा प्रतिजानी ही का अर्थ है तुम प्रतिज्ञा करो, नमे भक्त प्रणश्यति, भगवान का भक्त नष्ट नहीं हो। इसलिए हमारे सनातन धर्म का जो जड़ है वो इतनी मजबूत है वो कभी नष्ट होने वाली नहीं है। इसके मूल है वेद, ये भगवान नारायण के श्वास के शब्द है। उन वेदों के अनुसार से ही ऋषियों ने स्मृतियां बनाई, यानी श्रुति और स्मृति के आधार से हमारे सदाचार आ रहे हैं परंपरा से, उसके अनुसार हम जब चलते हैं तो भगवान की कृपा हमारे पर सदा है। रही कलियुग की बात तो कलियुग को भी कुछ वरदान किया गया है, उसके अनुसार कलि का प्रभाव अपने स्थान में रहता, लेकिन इस कलियुग में भी एक गुण है, कले दोषे राजन्न अस्ते मोहि आत्मनः कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग्रह परम प्रजे। ये भागवत में श्लोक है, कहे कली जो है इसमें बहुत से दोष हैं, दोष का एक खान है कली, फिर भी इसमें एक बहुत बड़ा गुण है कि भगवान का नाम संकीर्तन यदि करेगा कोई तो उसके सांसारिक विषय में आसक्ति दूर हो जाएगी। मुक्त संग्रह का अर्थ है मुक्त आसक्ति, आसक्ति सब छूट जाएगी, संग का अर्थ आसक्ति होती है संस्कृत में, और फिर परम प्रजे भगवान को वो प्राप्त कर लेगा। इसलिए भगवान की जो भक्ति है उसे करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छता अभय, इसको निर्भय होना है। निर्भय होना जो चाहता है उसके लिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं सर्व प्रयत्न से भगवान का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए, अर्थात भगवान के नाम का स्मरण, नाम का कीर्तन, नाम का श्रवण, कथा का श्रवण, कथा का संकीर्तन, कथा का स्मरण ये करना चाहिए। भगवत सेवा में आसक्ति हो जाए या भगवत कथा श्रवण में आसक्ति हो जाए
या आसक्ति ऐसी भगवान की सेवा किए बिना चैन नहीं पड़ता। भगवान की कथा को सुने बिना कोई चैन नहीं पड़ता। बेचैन हो जाते हैं, इस पर जाते हैं तो उसमें कृतार्थता खत्म हो जाता है। अब रहा भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है, तो भगवत भक्ति रसायन में मुसुरभूति स्वामी जी ने बताया प्रथमं महतां सेवा तद्दया पात्रता तथा श्रद्धा भूतेषां धर्मेषु ततो हरिगुणश्रुतिः ततो रत्यङ्कुरोत्पत्तिः स्वरूपाधिगतिस्ततः प्रेम वृद्धि परानन्दे तस्यानुपुरणन्ततः भगवत धर्म निष्ठा अतः स्वस्मिन् सद्गुणशालिना प्रेरणोऽथ परमाकाठे चितिता भक्ति भूमिकाः। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में नारद जी के द्वारा ये उपाय बताए हैं, ऐसा मधुमति कहते हैं। भक्ति की शुरुआत महापुरुषों की सेवा से होती है। अब यहाँ पर दत्तानंद स्वामी जी का समझ है, तो उनके सेवा में आप सब लोग लगे हैं, इसलिए भक्ति की जो 11 सीढ़ियां हैं उनको भूमिका के रूप में कहा, तो पहली सीढ़ी में तो आप लोग है ही हो, नहीं ऐसी बात नहीं। प्रथम महतां सेवा, भक्ति में जो जाना इस क्रम से भी कोई जाएगा तो वो अनर्थ नहीं करेगा। क्रम क्या है, पहले महापुरुषों की सेवा। भगवत के एकादश ग्रंथ में कहा है तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शास्ते परेत निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रय तत्र भागवता धर्मान् शिक्षे पूर्वात्मदैवतः। जिसको उत्तम कल्याण की जानने की इच्छा हो वह अच्छे गुरु के पास जाए। गुरु को उन्हें वो बता दिया तो शब्द ब्रह्म में निष्णात है और परब्रह्म में निष्णात है और अत्यंत शांत है। ये तीन चीजें गुरु के लक्षण में बताई भागवत में। शब्द ब्रह्म में निष्णात है माने वेदादि शास्त्र में वो पारंगत है। परब्रह्म में निष्णात है माने उसको परब्रह्म की अनुभूति है। उपशमाश्रय का मतलब है अत्यंत वैराग्य संपन्न है, बस इतने की चाहिए। उसकी गुरु परंपरा से उसका अध्ययन हो और उस चीज की परमात्मा की उसे जानकारी हो सही ढंग से और परम शांत भी हो। वहां जाकर के भागवत धर्म कौन है, ये भी भगवता प्रोक्ता उपाय ज्ञानमध्ये पुंसा विधि भागवता। साधारण लोगों के लिए भी परमात्मा प्राप्त हो इसके लिए परमात्मा ने ही जिन उपायों को बताया उनको कहते हैं भागवत धर्म। उन भागवत धर्मों को वहां सीखना पहले भक्ति मार्ग में प्रविष्ट होने के पहले। गुरु आत्मा और देवता इनको एक रूप में मानते हुए निष्कपट भाव से छल छत्म सत्य रहित होकर और भगवान गुरुदेव जैसा कहें उसी प्रकार से उनकी सेवा करते हुए वहां भागवत धर्म का शिक्षण देना, उसके बाद भक्ति मार्ग में प्रविष्ट होना। इसे कहा प्रथम महतां सेवा। नारद जी दासी पुत्र थे, 5 वर्ष की अवस्था में थे और महात्मा लोग आ गए, वर्षा काल था, उनकी सेवा में लग गए, उनकी कथा रोज सुनते रहे, उन्होंने उनको उन पर कृपा की। तो हमारे भक्ति की शुरुआत प्रथम महतां सेवा, महापुरुषों की सेवा, यही भक्ति का पहला स्तर। वैसे जो भक्ति है ये भगवान के प्रति जो परम प्रेम है यही वास्तव में एक है, लेकिन वो प्रतिबिंबित रूप में जब होती है तो उसके पहले भी 10 भूमिकाएं आती है। ये कहा पद लखन निष्ठ मूर्ति एकादशता महन निष्ठा यम समुपास्ते गिरीशः तम वंदे
उपासना भगवान शंकर करते हैं। जब शंकर करते हैं तो भगवान शंकर ज्ञान रूप में दिखते हैं, भगवान शंकर है एक। लेकिन जब श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हैं तो श्री कृष्ण जी के जो पैर के 10 नख हैं उन सब में भगवान शंकर भी दिखते हैं। इसलिए 10 ये भूमिका भक्ति की पहली हुई, जो प्रतिबिंबित रूप में भगवान शंकर जी थे और स्वयं शंकर एक है। ये बात है तो हमारे साधन भक्ति में पहले पहले साधन है प्रथमम महताम सेवा, महापुरुषों की सेवा, भक्तों की सेवा, ये पहला है। दूसरी भूमिका है यानी दूसरी सीढ़ी, नीचे से ऊपर हम लोग चढ़ रहे, दूसरी सेवी सीढ़ी है दया पात्रता। उन महापुरुषों के अपने कृपा पात्र बन जाना ये दूसरा है। दूसरी सीढ़ी श्रद्धा प्रदेशान धर्मेशु, वो लोग जिस धर्म में श्रद्धा रखते हैं उसी में अपने भी धर्म हो, अपनी भी श्रद्धा हो, वो लोग क्या आचरण करते हैं उसके लिए हमें श्रद्धा हो, मानव धर्म में। ये तीसरी भक्ति की भूमिका है। ततो हरि गुणे श्रुति, इसके बाद भगवान के गुण का श्रवण करना ही चौथी भूमिका है। हम इस क्रम से जब जाएंगे महापुरुषों की सेवा, उनके कृपा पात्र बन जाना, वो जो धर्म का आचरण करते हैं उसके लिए श्रद्धा हो जाए, उसके बाद हरिगुण श्रवण होगा तो कुछ बात अलग होती है। अब जो ही जाके कुछ सुन के चले आए तो वो बात कुछ अलग होती है। ये पांचवा है हरिगुण श्रवण, चौथी भूमिका। पांचवी में है भक्ति का जो अंकुर है वो अपने मन में आ जाता है। ये पांचवा है स्वरूपाधिगति स्थितः, स्वरूप का ज्ञान, ये छठा भक्ति के लिए। प्रेम वृद्धि परानते, परमात्मा के में प्रेम की वृद्धि, ये सातवीं भूमिका। प्रेम तस्याः स्फुरणं ततः, ये आठवीं भूमिका में और प्रेम का अनुभव भी होने लगता है। नवमी भूमिका में भगवत धर्म निष्ठा, भगवान अनोद धर्म के विषय में अत्यंत ये निष्ठा हो जाती है। नवमी स्थिति है स्वस्मेव सद्गुणशाली का, भगवान के जैसे ही अपने में भी गुण आ जाते हैं, ये दसवीं भूमिका है। प्रेमणो तो परमाकाष्ठा, ग्यारहवीं भूमिका है भगवान के में परम प्रेम। परम प्रेम का उदाहरण करते हुए भूमिकाओं की ऐसी भक्ति थी। उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं वे भगवान के ही नाम निकलते हैं। तन्मनस्का सदा लापा तत्विचेष्टा, भगवान के जैसे उनकी भी क्रियाएं करती हैं या उनके लिए चेष्टा करती है। तदात्मिका भगवत रूप हो जाती हैं और गुणान एव गायन्त्यः, भगवान के गुण का ही गायन करते हुए ऐसी दिन हो गई नात्मा गाराणि सद्गुरुओं को, देह का भान नहीं, घर का भान नहीं, कुछ नहीं। ये भक्त का जब भगवान के प्रति ऐसा प्रेम भाव होता है उसमें की परिस्थिति है, यही भक्ति की परम उच्च अवस्था है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें पहले गुरु जी के चरण में रहना पड़ेगा। इस क्रम से जब भक्ति मार्ग में नहीं जाते तो क्या होता है, कहीं से विष्णु मंत्र की दीक्षा ले ली, इसी कारण है फिर भक्ति मार्ग में प्रेरित होकर के वेद की निंदा, ब्राह्मणों की निंदा, सज्जनों का अपमान आदि होता है। ऐसा हुआ तो क्या होगा, इसका विचार अल्लभाचार्य जी ने तत्वार्थ जीवनी ग्रंथ में कहा है कि अत्रापि वेद निंदाया अधर्मकरणा तथा नरके निपातस्य हीन योनो प्रजायते। भक्ति मार्ग में भगवान के गुण का श्रवण करके यदि कोई प्रविष्ट होता है और फिर वह वेद की निंदा करता है, अधर्माचरण करता है, तो नरक में भले ही न जाए लेकिन वो हीन
मनुष्य शरीर एक दृढ़ रूप नौका है, अच्छी नौका है अपने उद्धार के लिए, लेकिन इसमें आ गए उस नौका का उपयोग नहीं किया, गलत सलत काम करके उस नौके नौका का सदुपयोग नहीं किया, परिणाम क्या होता है? यहां आकर के जब गुरु की निंदा, देव की निंदा, धर्म की निंदा आदि करते हैं, फिर आगे क्या होता है? नरक में भले ही न जाए लेकिन कोई सुअर होगा तो कोई कुत्ता बनेगा, ही नहीं उन्हीं में जाता। इसलिए गुरु अपने जो गुरु हैं उनके कमल को, चरण कमल को पक्के रूप में दृढ़ रूप से धारण करके के द्वारा बताए मार्ग का अनुसार चलना चाहिए। मृदे हमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मया अनुकूले अनभस्वतेरितम उमान भवाभ्यन नगरे स आत्महा। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में भगवान स्वयं कहते हैं ये जो मनुष्य शरीर है ये आद्य है। आद्य माने सबके लिए ये कारण बनता है, हम इसको जिस तरह से चलाएं, अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छी गति में जाएंगे, गलत कार्य करेंगे तो अधोगति में जाएंगे, इसलिए सबका मूल होने से इसको आद्य कहा। आगे कहा सुलभ, जो पुण्यात्मा है उनको मनुष्य शरीर सहजता से मिल जाता है। आगे कहा सुदुर्लभ, जो पापी लोग हैं इनको जल्दी ये मिलता नहीं। प्लवम सुकल्पम, संसार रूप सागर से पार होने के लिए बहुत अच्छा ये नौका है, नौका को प्लव कहते हैं, वो सुकल्प है माने अच्छी है, इसलिए प्लवम सुकल्पम। अब समुद्र में बड़ी नाव नाव को ले जाना है, जहाज को ले जाना है तो अनुकूल उसको सही ढंग से ले जाने के लिए मल्लाह की जरूरत है, उसके स्थान में उसको कहते हैं कर्णधार, उसके स्थान में गुरु कर्णधार। इतना होने पर भी उनको उस नौका को गंतव्य दिशा में ले जाने के लिए अच्छे हवा की जरूरत है। मया अनुकूले अनभस्वते रितम, भगवान कहते हैं कि यहाँ तक यदि कोई पहुंच गया तो मैं भी अनुकूल हो जाता हूँ उसके लिए, अनुकूल मार्ग में ले जाने के लिए। इतना सब मिल करके भी उमान भवा नतरे महा, जो मनुष्य संसार सागर को पार नहीं करता है वो आत्महत्या का है, ऐसा कहा। तो हमारे यहाँ जो वेद से लेकर के वेद स्मृतियां पुराण और अनेक इसके भेद हैं, इसके बाद संतवाक में तक के जो ग्रंथ आए एक भगवान के द्वारा प्रकट है, कुछ भगवान के द्वारा आज्ञानुसार संत महात्मा ऋषियों के द्वारा रचित है, इनका सबका उद्देश्य है विश्व कल्याण, सबका भला हो ये उद्देश्य है। उसका उद्देश्य कोई आध्यात्मिक या प्रतिष्ठा या अपने उत्कर्ष सब कुछ नहीं, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना मनुष्य जन्म किस लिए मिला है इस पर पहले विचार करना चाहिए। ये मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए है। एक बार सृष्टि हो जाती है, सृष्टि का कुछ काल निश्चित है, उसके बाद सब गड़प हो जाता है, प्रलय आ जाता है, कुछ नहीं रहता, पुनः सृष्टि क्यों आती है? तो भगवान वेद स्तुति के प्रारंभ में अवतरणिका में कहा है इन लोगों को पूर्व में हमें संधि दी थी वो अपना उद्धार कर लें, इसी कारण से वे उद्धार अपना नहीं कर सके, तो उसको पुनः चांस देने के लिए पुनः सृष्टि होती है। तो उसी सृष्टि में हम लोग भी हैं, हमारे पूर्वज भी थे, तो अपना कल्याण किसमें होगा इससे पहले गुरु महाराज के शरण जाकर के वहां से समझना चाहिए और तदनुसार चलना चाहिए। जो लोग इसका महत्व बिना समझे चलते हैं वो क्या कहते हैं कि हमें वेद से कुछ लेना देना नहीं है, हमारे ब्राह्मणों से कुछ लेना नहीं है, हमें खाली संतों से ले चलना है। तो इनकी बड़ी भारी ये भूल है कि जो संपूर्ण
चराचर विश्व का संचालन करने वाला परमात्मा है, वह भी ब्राह्मणों को अपना गुरु मानता है। भागवत में ये बात आई है दशम स्कंध में कि जब तक ब्राह्मणों की पूजा नहीं होती तब तक हम संतुष्ट नहीं होते। कर्नाटक में 250 साल पहले चिदंबर अवतार हुआ है भगवान शिव के, उन्होंने भी यही कहा है ब्राह्मणों की पूजा करने से ही हम पूर्ण प्रसन्न होते हैं। इसलिए ब्राह्मण क्लेश, वेद निंदा, धर्म निंदा, सत्पुरुषों की निंदा आदि करने से भक्ति मार्ग का जो गंतव्य स्थान है उसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता। ब्राह्मणों की क्या महिमा है उसे समझना चाहिए। समस्त संपत समवार्ति हेतवः समुत्थिता अपत्कुलधूमके तवः अपार संसार समुद्र से तवः पुनंत ब्राह्मण पाद पांसवः। ब्राह्मणों की चरण की जो धूलिया उनका ये महत्व कहा गया। सब प्रकार की संपत्ति उनके द्वारा प्राप्त होती है, ये समस्त संपत समवार्ति हेतवः। बड़े से बड़े आपत्ति आई हो उसको जलाने में अग्नि के लिए थे में हैं, और अपार संसार रूप जो समुद्र है उसमें सेतु के रूप में ये ब्राह्मणों के चरण की धूलिया। आवधनध्वान्त सहस्र भानवः समीहितार्थार्पण कामधेनवः समस्त तीर्थां पवित्रमूर्तयो रक्षन्तु मां ब्राह्मण पाद पांसवः। घनघोर आपत्ति आ गई, अंधकार हो गया, उस समय प्रकाश देने वाले ब्राह्मणों की चरण धूलि और जिसकी जो इच्छा है सदिच्छा है उसको अर्पित करने में वो कामधेनु जैसी है। कामधेनु जिस प्रकार उसके पास आने वालों की कामना की पूर्ति करती है उसी प्रकार ये चरण धूलियाँ भी पूर्ण करती हैं। और समस्त तीर्थां पवित्र मूर्तयः, सारे तीर्थ में जाके जो स्नान आदि करके फल मिलने वाला है वो ब्राह्मणों की चरण धूलि की सेवा से है। ऐसी जो धूलिया है वे मुझे पवित्र करें। आदि व्याधिरंद्रणाम मृत्युदारिद्र नाशनम श्री पुष्टि कीर्ति वंदे विप्र श्री पाद पंकजम। आदि माने मानसिक क्लेश, व्याधि माने रोग, ये दूर होते हैं ब्राह्मणों की चरण धूल चरण के पूजा से। कहते हैं मृत्यु अपमृत्यु दूर होता है, दरिद्रता भी दूर होती है, श्री प्राप्त होती है यानी धन प्राप्त होता है, पुष्टि प्राप्त होता है, कीर्ति प्राप्त होती है, ये ब्राह्मणों के चरण कमल को वंदना करने का ही फल है। विप्रमुख दर्शना सद्यः क्षीयन्ते पापराशियः वंदनान् मंगलावार्ति अर्चनार्थच्युतं पदम्। ब्राह्मणों का कहीं समूह आया तो उसके दर्शन से तुरंत पाप की राशियां नष्ट हो जाती हैं और उसको प्रणाम करने पर मंगल प्राप्त होता है, और अर्चन करने से अच्युत पद माने मोक्ष भी प्राप्त होता है। अर्थात संसार की भी सारी चीजें और परमात्मा परमार्थ की भी सारी चीजें ब्राह्मणों की भक्ति से होता है। इसे जिसको अपना उद्धार करना है उसे ब्राह्मण भक्ति में रहना चाहिए। आन उपाय न दूजा, विभीषण ने पूछा भगवान रामचंद्र जी को कि रावण के सामने तो कवच आदि है, आपके पास क्या है? उन्होंने कहा हमारे पास अभेद्य कवच ये है, ब्राह्मणों के चरण की पूजा। कवच अभेद्य विप्रपद पूजा। तो कहा यही समय आन उपाय न दूजा, दूसरा कोई इसकी जैसा रक्षक नहीं है। तो ये ब्राह्मण भक्ति को समझना चाहिए। भगवान स्वयं जब यहाँ आते हैं वे भी इसका शिक्षण हमें देते हैं। नारद भगवान के भक्त हैं लेकिन राम जी के पास जब आएंगे तो राम जी स्वयं भी उनके पद प्रक्षालन करके वो तीर्थ स्वयं ग्रहण करते हैं, अपने शरीर पर छिड़कते हैं, सबको देते हैं। यही स्थिति हमारे श्री कृष्ण जी का भी चरित्र में आता है। सुदामा जब देवर्षि नारद का भी होते हैं, सुदामा भी पहुंचे तो उनका भी इसी प्रकार से पूजा करके तीर्थ लिया, क्योंकि ब्रह्मण्य देव उनका एक नाम है। ब्राह्मणों को उतना आदर देते हैं, हमें भी हरेक ब्राह्मण के
आदर देना चाहिए। अब रहा धर्म की जो परिस्थिति है, तो धर्म के रक्षा की पूरी चिंता भगवान को है। हमें उन्होंने जो बात बताई उसके अंदर अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। कर्तव्य पालन में हम यदि रहेंगे तो हमारा निश्चित उद्धार है। कहा है कि तत्तेन कंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विमानम् ऋद्वा बबुधिर विदधन् नमस्ते जीवे त्रयो मुक्तिपदे सदाय भाव। भागवत के दशम स्कंद में ब्रह्मा जी ने जो भगवान की स्तुति की है उसमें का यह एक श्लोक है। वो कहते हैं भगवान को, भगवान ने जैसे हमें रखा है उस सहना है, भगवान की बड़ी हमारे ऊपर कृपा है। किसी को दरिद्र रखते हैं तो भगवान ये समझ के दरिद्र रखते हैं कि भाई इसके पास यदि धन आ जाएगा तो ये मार्ग से च्युत हो जाएगा, गलत मार्ग में चला जाएगा, व्यसनाधीन आदि होके इसे उसे गरीब ही रखते हैं। जहां विचार करते हैं कि इसको धन देने से अच्छा चलेगा वहां धन देते हैं। अपना जो कर्म का फले से भोगते हुए ही फिर विदधन नमस्ते जीवे दया मन से वाणी से और शरीर से भगवान को निरंतर प्रणाम करते रहना। मन से प्रणाम क्या है, मन से निरंतर भगवान का चिंतन, वाणी से भी भगवान को प्रणाम और शरीर से भी प्रणाम। ऐसा करते जो जीवित रहता है माने मुक्ति पदे सदाय भाग, उसको हक के द्वारा, दाय का मतलब है हक होता है। हमारे यहाँ की इस समय जो परिस्थिति है इसके मूल कारण, इसका मूल कारण क्या है उसका जब विचार करते हैं तो आचार्य चाणक्य जो होंगे उन्होंने सबका सार बताया। हृदय से आगे ऐसा होगा बौद्ध धर्म स्वीकार किया गया और राजा के द्वारा परिणाम ऐसा होगा हमारा जो इधर का इतिहास वह शिथिल हो गया और भारत परतंत्र हो गया। उस परतंत्र भारत का जो समय था उसमें भी अनेक महात्मा लोग आए, उन्होंने सनातन धर्म के बीज की रक्षा की, जिसमें आज भी हम शुद्ध रूप से वेद सुन पाते हैं। कर्मकांड चलता है उसमें भी शुद्ध रूप में देख पाते हैं, श्राद्धादि प्रयोग भी देख पाते हैं, श्रद्धाग्निहोत्र आदि की जो परंपरा है उसे भी देख पाते हैं। कठिन समय में भी लोगों ने उतना बचा करके रखा। अब हमारा स्वतंत्र भारत है, होते होते भी जैसे अपेक्षा है उतनी अपेक्षा भी नहीं प्राप्त हो रही है, तो हम आशा लगा के बैठे कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। भविष्य पुराण ने कहा है आज से 405 साल यदि हो जाएगा उस समय पुष्यमित्र नाम के एक राजा आएंगे और वे हमारे अयोध्या मथुरा माया काशी कांति, माया माने हरिद्वार, काशी कांति अवंतिका माने उज्जैन क्षेत्र, पुरी द्वारा उज्जैन द्वारा उज्जैन द्वारिका, ये सब में वो वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करेंगे। ये भविष्य पुराण ने बताया है। श्रीपाद जी का जो चरित्र है उसमें भविष्य पुराण के विषय में कुछ चर्चाएं हुई है, उन्होंने कहा जो भविष्य पुराण में कहा है वो सही है, उस हिसाब से होगा। इसलिए 400 के ऊपर है कुछ सफर, उसमें भगवान की ओर से पुनः व्यवस्था है सब होगा। करोड़ दशसहस्राणि कृष्ण स्थिति में तदर्थम जानमी तो एवं तदर्थम ग्राम देवता, ये भी एक वाक्य मिलता है। कलियुग में 10,000 वर्ष होने पर पृथ्वी पर विष्णु नहीं, विष्णु की मूर्ति नहीं दिखेगी, 5,000 वर्षों में गंगा जल नहीं दिखेगा,
और राम की जो देर है वो भी 2500 होने पर नहीं दिखी, ये कहा। अब इसका कहीं ना कहीं कुछ तो ये माने ऐसा प्रभाव दिखता है, वहां ग्रामस्थ देवताओं की कोई शक्ति नहीं, मंदिर ध्वंसराज हो गया, तो भी संपूर्ण रूप से ऐसा नहीं। इस पर विचार करते समय कुछ लोग होते हैं कलयुग के 36,000 वर्ष होने पर ऐसा होगा, ये लिखा है। कुछ लोगों ने ऐसा लिखा है कि अंतिम कलि के आकार के हमें भगवान जो उपदेश दे के जैसे हैं वो कार्य करना चाहिए। अभी तक आपको जो बताया ये ब्राह्मण भक्ति की महिमा बताई, लेकिन अब दूसरा इसका एक पहलू है, वह है गो सेवा। ब्राह्मणानां दवांकेव कुलदेवं विधातम एकत्र मंत्रास्तिष्ठते हविरन्यत्र तिष्ठति। आ ब्राह्मण और गायों का कुल एक ही है, लेकिन वो विभिन्न प्रयोजन है दो करके रखा है। दोनों की विशेषता क्या है? कि ब्राह्मणों में मंत्र है, एकत्र मंत्रास्तिष्ठते, और यज्ञ के लिए जो हविद्रव्य है वह गायों में है। ये वो भक्ति और ब्राह्मण भक्ति, ब्राह्मणों की रक्षा और गायों की रक्षा संयुक्त रूप से होगी तो हमारा धर्म टिकेगा, इसके बिना धर्म नहीं रहेगा, धर्म की दुस्थिति रहेगी। रामावतार ने भगवान रामचंद्र जी को ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी कि उम्र भी ज्यादा साल तक बचपन में वो गो सेवा कर रहे हैं, क्यों? गायों की रक्षा होती रही इसलिए। लेकिन कलयुग में द्वापर और कलयुग के संधि में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है, और ये एक बार नहीं, जब जब द्वापर युग की समाप्ति आएगी और कलयुग का प्रारंभ रहेगा उसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतीर्ण होते हैं। इस बात को भगवान शंकर गिरिजा को निर्तंत्र में बताते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 71 बार ये संवत्सर होता है, 71 बार ये आता है, कली कृतयुग त्रेतायुग द्वापरयुग कलयुग, ये जो चक्र है ये 71 बार आता है। मन्वंतरं तो दिव्यानां युगानां एक सप्तति, इसमें क्या हुआ, द्वापर भी 71 बार आएगा और कलयुग भी उसके बाद 71 बार आएगा। ये हर एक द्वापर और कलयुग के प्रारंभ में, द्वापर की समाप्ति और कलयुग का प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। उन प्रत्येक अवतारों के ध्यान और मंत्र अलग अलग मेरु तंत्र में बताए हैं। अभी हम 28वें कलयुग में हैं, तो आगे जो 29वां कलयुग है उसके प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण का अवतार निश्चित है, इसलिए निराश होने की कोई बात नहीं। उसमें भगवान श्री कृष्ण बचपन के 11 वर्ष की अवस्था तक गो सेवा नियमित करते हैं। भागवत में एक भी दिन ऐसा नहीं दिखता कि जिस दिन गायों को चराने के लिए या गो सेवा के लिए भगवान श्री कृष्ण नहीं गए। बलराम जी सब घर जाते, घर वो भगवान बालकृष्ण जरूर जाते, और जो जाते हैं वो पैर में खड़ा हो या चप्पल आदि डाल के नहीं जाते, वैसे ही जाते हैं। गाय ये देवता है ये लोगों को समझ में आए, इसलिए भगवान वैसे ही जाते हैं। रामचंद्र प्रभु जब दंडकारण्य में जाते हैं तो पैर में चप्पल वगैरह नहीं पहनते, वैसे ही जाते हैं। शंकराचार्य ने कहा दंड का पुण्यता कारण, दंडकारण्य में जो एक शाप लगा था और शाप के कारण अपवित्र भूमि हो गई थी, उस भूमि को पवित्र करने के लिए भगवान 14 वर्ष जंगल में गए तो संकट दूर होते हैं। गोमे वसते लक्ष्मी
धर्मेश वसते लक्ष्मी, व्यापारी वसते लक्ष्मी, पुष्पेश वसते लक्ष्मी। लक्ष्मी के निवास चार स्थानों में है, एक गाय का गोबर, दूसरा धर्म, तीसरा व्यापार और चौथा पुष्प। भृंगीश संहिता, भृंगीश संहिता नाम का एक आगम का ग्रंथ है, उसमें वर्णन है कि गायों के शरीर में बाकी सब देवताओं को स्थान मिल गया, लेकिन लक्ष्मी को स्थान नहीं मिला। तो लक्ष्मी स्वयं गई थी वो समूह में, उन्होंने तो कहा, प्रार्थना किया कि आप हमें कहीं स्थान। लक्ष्मी ने कहा, गायों ने कहा, तुम चंचल हो इसलिए हम तुम्हें कहीं नहीं रखते। कह नहीं, आप हमें भी नहीं पूछेंगे तो हमें कोई पूछेगा नहीं, इसलिए मुझे तो स्थान दीजिए कृपा करके। तब उन्होंने गोबर में स्थान दिया, इसलिए गोबर ये बसते लक्ष्मी। ये हमारा जो गाय का गोबर है, इससे जहाँ जगह लिखी जाती है वहां पर जो आज अनुभव कहते हैं एटम बम, इसके विकिरण के दुष्परिणाम नहीं आते, अर्थात इतना उसका प्रभाव गोमूत्र और गोबर का नियमित सेवन करने पर कैंसर जैसे रोग दूर होते हैं, वे आते ही नहीं, और जर्सी गाय का दूध देने से वे रोग बढ़ते हैं, ऐसा अंतर। तो गोमे वसते लक्ष्मी, अपनी जो भारतीय शुद्ध देशी गाय है जिसके गलकंपल बहते हैं यहाँ कंठ के नीचे और ऊपर एक झील होता है, ये भारतीय गाय है, तो उनका बहुत महत्व बताया गया है। हमारे पूरे इसको जब देखा जाएगा तो हमारा कोई भी कार्य गायों के बिना नहीं होता है। गाय के द्वारा प्रतिपद्य प्राप्त जो होता है उस प्रतिपद्य का प्राशन करके ही हरेक कर्म में अधिकार प्राप्त होता है। छोटे बच्चों की रक्षा के लिए गाय के चरण की धूलि उनके लिए सर्वोत्तम है, गोमूत्र से स्नान कराना सर्वोत्तम है, गोबर से उसका न्यास करना सब अच्छा है। भागवत के दशम स्कंध में छठे अध्याय में उतना मुख्य प्रकरण में हमें मिलता है। तो गोमे वसते लक्ष्मी ही, गोबर में गाय के गोबर में लक्ष्मी का एक स्थान है, दूसरा है धर्मेश वसते लक्ष्मी। धर्म ये नारायण का स्वरूप है, लक्ष्मी ये पतिव्रता है, जहाँ नारायण रहते वहीं उनका निवास है, इसलिए हमें समृद्ध होना है तो धर्मानुष्ठान करना चाहिए, तभी हमारे ऊपर जो जगन माता लक्ष्मी उनकी कृपा हो। तीसरा बताया व्यापारे वसते लक्ष्मी, व्यापार में भी लक्ष्मी का निवास है, और चौथा कहा पुष्पेश वसते लक्ष्मी, पुष्प में लक्ष्मी का निवास। ये कौन पुष्प? शो वाले फूल नहीं, जो हमारे प्राचीन पुष्प हैं जिनमें सुगंध है उसमें लक्ष्मी का निवास है। इसलिए हमें उन प्राचीन पुष्पों को भी बचा के रखना चाहिए, जिनके पास स्थान है, भूमि वगैरह है, तो वो प्राचीन जो पुष्पों की परंपरा है उस पुष्प के पौधे भी लगाए जाने चाहिए। नहीं तो आजकल कैसा है, जो हमारे सृष्टि प्रदत्त वस्तु है उसको नष्ट कैसे करना, नवीन नवीन विकास के नाम से ये बाहर चल रहा है, लेकिन उनको बचाना चाहिए। अभी कुछ थोड़ी चेतना आई है कि हमारे देशी गायों को भी बचाना चाहिए, इसके लिए भी कई लोग प्रयत्न कर रहे हैं। कहना था कि ब्राह्मणानां गवां चैव कुलमेकं विधातृतम् एकत्र मंत्रा तिष्ठन्ति हविरन्यत्र तिष्ठति। ब्राह्मणों के पास मंत्र है, तो मंत्र के द्वारा जिसका हवन करना है वो हविर द्रव्य, कोई भी हविर द्रव्य घी की तो घी के बिना शुद्धि होती ही नहीं, गाय के घी की भी बहुत आवश्यकता है स्थान शुद्धि के लिए, गाय के गोबर गोमूत्र आदि की। हम वो सेवा में लगेंगे और ब्राह्मणों की सेवा में लगेंगे तो ये सब काम हो सकता है, अन्यथा नहीं। अब हमारी गड़बड़ कहां से चालू है? गड़बड़ ये है कि गर्भाधान आदि जो संस्कार बताए हैं उनकी बहुत आवश्यकता है। संस्कार क्या चीज है? तो संस्कार कहते हैं दोष का अपनय और गुण का आधार। जैसे
एक पटने का 50 साल से वैसे ही पड़ा लोटा है। अब उस लोटे को जब हम भिन्न वस्तुओं के सहायता से बार बार माजेंगे तो पहले उसमें से दोष का भाग निकल जाएगा, उसके बाद माजेंगे तो चमकने लगेगा। तो संस्कार ये चीज है कि दोष का निरसन और गुण का आधान जिससे होगा वो हमारे गर्भाधान आदि संस्कार है, जो हमारे यहाँ थोड़े संस्कार कहे गए हैं वो इन चीजों को लगे दोष का निवारण और गुण की स्थापना, आधार माने स्थापना। तो गर्भावस्था में आने के पूर्व पहले जो समागम होता है उसके विषय में, उसके बाद उस स्त्री को अच्छी बातों को सुनाना चाहिए, भागवत कथा का श्रवण है, वेद का श्रवण है इत्यादि, इससे भी संस्कार उस पर होते हैं आने वाला जो घर। एक हमारे यहाँ धान्य है यव, संस्कृत में उसका यव नाम है, हिंदी में यव कहते हैं, मराठी में प्राचीन मराठी के हिसाब से सातु कहते हैं। उसके बाद उसे कपड़े से पोंछ के धूप में सुखाना, सुखा देने के बाद उसका आटा करना यानी उसे पीसना। ये जो आटा आया उसकी रोटी बना करके या जो पदार्थ बन सके बना करके गर्भिणी को खिलाना चाहिए। उसका लाभ यह विश्वदेव के पात्र में अर्घ्य अर्घ्य देते समय वहां जव को डालना पड़ता है, उसमें मंत्र कहते हैं। इस मंत्र में क्या कहा, जितने धान्य है उनके राजा के स्थान में जव है, इसकी देवता वरुण है, समस्त पापों का क्षालन करने वाला है, ऋषियों ने उसे पवित्र माना है, इसको खिलाने से आगे आने वाली जो संतति है वह पवित्र विचार यह प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनाहा स्वस्थ इत्यभिधि। इसमें समधातु ये जो बात आई रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र यशोणि, इनको समान रखने की शक्ति जव धातु में, जो जव जिसका एक सप्त धातुओं को समान रखता है। तो गर्भावस्था में जव के सेवन से आने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, एक बहुत बड़ा लाभ है। इसके अतिरिक्त बनारस में वो सब जगह से जय पत्र लेके आया, बनारस आया, प्रभु नारायण सिंह बहादुर महोदय का राज्य था उस समय, उनसे मिला, कहा हम कुश्ती के लिए आए हैं, कुश्ती के प्रतियोगिता की, उस समय उसके बराबरी का कुश्ती का वहां कोई नहीं था। महाराजा ने क्या किया, उसे महल में ठहरा लिया, 90 साल के थे, तो उसने कहा कि हम वृद्ध हैं, हमें गंगा जी स्नान को जाना है, आप हमारे मदद के लिए चलिए। उसको ले लिया, उसका बांह पकड़ा और नीचे उतरे, स्नान आदि कर लिया, फिर ऊपर आते समय उसके बदले उनकी ताकत कितनी थी, चांदी का सिक्का सामने रखे वो चाहे तो उसको मसल देते थे, इतनी शक्ति थी। अतएव जव का सेवन होने पर शक्ति आती है। इसके बाद तीसरी बात यह है कि जो आजकल लोगों को डायबिटीज होती है, मधुमेह उसका नाम है, जो लोग जव का सेवन करते हैं उनको नहीं होता। अब यदि किसी को हो गया है वो भी जव का सेवन करेगा तो बढ़ेगा नहीं, दूसरी दवा वगैरह कोई जरूरत ही नहीं, जव के सेवन से वो डायबिटीज नियंत्रित रहता है। तो पुराने लोगों ने गर्भावस्था में जो बालक आता है या बालिका उसमें ही ये जव का सेवन करा करके ये किया, उसकी पवित्र विचारधारा रहेगी, वो शक्ति संपन्न रहेगा और निरोग रहेगा। आज भी यदि अपने घर में प्रजाएं ऐसी उत्पन्न हो
जो पवित्र विचारधारा की हो, निरोग रहे और शक्ति संपन्न हो, ऐसी इच्छा है। तो इस प्रकार से गायों की सेवा करके, गायों को जौ खिला करके, उनका पहले चारा खाना हो जाए उसके बाद जौ खिला करके, उनके गोबर से जौ को चुन करके, धो करके, उसकी रोटी बना करके खिलाना पड़ेगा। रामचंद्र प्रभु जब जंगल गए थे उन 14 वर्षों में अयोध्या के पास नंदीग्राम स्थान पर भरत जी ने गोमूत्र यावक व्रत किया था। वो क्या खाते थे? गाय के गोबर से चुना इस प्रकार का जव और गोमूत्र खाके रहे। ये गोमूत्र यावक व्रत है, 14 साल तक भरत जी ने किया। तो जव का ऐसा उपयोग करना चाहिए गर्भावस्था में भी और जन्म हो जाने के बाद भी। नित्य आहार में जव की स्थिति होनी चाहिए। यदि केवल जव की रोटी बनाना संभव नहीं है तो उसमें आधा गेहूं का आटा और आधा जव का आटा मिला करके बना करके खिलाए, ऐसे बड़े लोग कहते थे। तो गर्भावस्था में ये संस्कार हो गए। इसके बाद जन्म होने के बाद भी अनेक संस्कार हैं, उन संस्कारों को करना चाहिए। गर्भावस्था में कई संस्कार हैं। ब्रह्मज्ञान प्रतिरोधक जो दोष है उसका निवारण पुंसवन संस्कार से होता है। अलक्ष्मी का निवारण सीमंतोन्नयन संस्कार से होता है, सब बताया है। हमारे जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मणों के पास है ज्ञान रक्षण, क्षत्रियों के पास है प्रजा का रक्षण, वैश्यों के पास है पशु का रक्षण, शूद्र का है सबको संभालना, सेवा वृत्ति से। तो इसमें क्षत्रियों के विषय में सुनिए, देवावी राजन्या जायमाना देवयो तब अंतरेव संतम दामना आपुंभन सवायेशः अपोक्तो जायते यत्राजन्यः यद्वायेशः अनपोक्तो जायेत पुत्रान् भ्रमश्चरेत् यं कामयेत राजन्यम् अनपोक्तो जायेत पुत्रान् भ्रमश्चरेत् इति तस्मायेदम् ऐन्द्राबारहत्पत्यं चरन्निरोपे ऐन्द्रो वै राजन्यः ब्रह्म बृहस्पतिः ब्रह्मणे वैनं दाम्नः अपोम्भनान् मुञ्चति हिरण्मयं दामदक्षिणा साक्षादेवैनं दाम्नः अपोम्भनान् मुञ्चति। तैतृय कृष्णयजुर्वेदे तैतृय संहिता में दूसरे कांड में चौथे अध्याय में उपांत अनुवाक में बताया है, 13वें अनुवाक में। यहाँ पर विषय क्या है? क्षत्रिय जो जन्म को आएगा इसको देख करके देवता घबराए। क्यों? चक्रवर्ती राजा क्षत्रिय यदि सव अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो वो उसको इंद्रपद प्राप्त होता है। तो देवता के राजा इंद्र ही घबराए। उन्होंने बृहस्पति उनके जो पुरोहित हैं उनसे सलाह ली कि क्या करना चाहिए। ये कर दिया गया कि क्षत्रिय का जो गर्भ पेट में आए वहीं उसे बन उसकी शक्ति को कुंठित कर देना चाहिए। एक अदृश्य रचना है, उस अदृश्य रचना के द्वारा उसे वैसे ही बांध दिया जाता है। अब इस रचना को यदि रचना माने रस्सी, उसको यदि नहीं छुड़ाया गया तो जो क्षत्रिय के यहाँ प्रजा उत्पन्न होगी वो कुंठित शक्ति वाली होगी। अब यदि ऐसी इच्छा है राजा की कि हमारे यहाँ जो प्रजा है वो पूर्ण शक्ति संपन्न हो, उसमें कुंठित शक्ति न हो, ऐसा राजा की इच्छा हो, अथवा राज पुरोहित जो है ब्राह्मण की इच्छा हो कि हमारे यजमान राजा के यहाँ ऐसे ही आए, तो उस समय इंद्राबारहस्पत्य चरुण निर्वपे इंद्र और बृहस्पति के देवता हैं, उनके लिए चरु का निर्वाप श्रुतेष्टि है, वो करना चाहिए। अर्थशास्त्र में इस बात को बतलाते कहा कि यदि अभिनीत राजकुल होगा, विनय माने लोक शास्त्र मर्यादा का पालन, ये संपूर्ण विनय की व्याख्या है। लोक मर्यादा और शास्त्र मर्यादा का पालन माने विनय, इसके विपरीत जो होगी स्थिति वो अभिनय। तो अभिनीत ऐसा यदि राजकुल हो जाएगा, उसको जब राजगद्दी पर बैठाया जाएगा
तो राजगद्दी फिसल जाएगी। कैसे? तो कहा उन्होंने कोई खटिया है, उस खटिया में पलंग, उसमें लकड़ी के सब चारों ओर से लगे हैं, उस लकड़ी में फून ने सब ओर से कोर के रख दिया हो, तो उस पर बैठने पर वो जैसे खटिया टूटती है, वैसे अविनीत राजकुल को कुल हुआ, उसको राज्य दिया तो राज्य ध्वस्त हो जाएगा। इतने वो विनय संपन्न होना चाहिए, इसलिए क्या करना, तस्मात् ऋतुमत्याम महिष्याम ऋत्विजः ऐन्द्रावारहस्पत्यं चरुं निर्वपेयुः। जब महारानी ऋतुमती होंगी उस समय ऋत्विक लोग ऐन्द्रावारहस्पत्य चरु का निर्वाप करें, अर्थात जो वेद ने बताया वही हमारे कौटिलीय अर्थशास्त्र में ही बताया, अर्थात जब कुंठित शक्ति शक्ति को सब बांध के रख दिया, ऐसा ही क्षत्रिय जी उत्पन्न होगा तो वो प्रजापालन कार्य को नहीं कर सकेगा। वो प्रजापालन सही ढंग से करे इसके लिए अकुंठित शक्ति, माने कुंठित शक्ति अब नहीं है, पूर्ण शक्ति से युक्त है, था नहीं, इसके लिए इंद्रा बृहस्पति जन रपयु कहा, इंद्रा बृहस्पति की इष्टि करनी चाहिए। आज जो स्थिति है उसमें यह संभव नहीं है, फिर भी इंद्रा बृहस्पति भ्यान नमः इस मंत्र का यदि लाख सवा लाख जप हो, जिस समय वो गर्भिणी है तो वो शक्ति जो कुंठित है उसे हटाया जा सकता है। तो इधर भी ध्यान देने की चाहिए कि जैसा एक जव का प्रयोग बताया वो सभी के लिए समान है, इन क्षत्रियों के लिए विशेष है कि उनके गर्भावस्था में रहते समय ये इंद्रा बृहस्पति का भी कुछ आराधन होना चाहिए, तब शक्ति संपन्न आएंगे। इसी प्रकार अच्छे वैश्य जन्म में कैसे आए, अच्छे शूद्रादि कैसे आए, और आगे के लोग भी अच्छे रूप में कैसे आए, इसका गहन विचार हो करके उसका प्रवर्तन होना चाहिए। इस प्रवर्तन से क्या होगा कि हमारे समाज में यानी हिंदू समाज में अच्छे गुणों से संपन्न प्रजा जन्म को आ गई। इसके पश्चात का क्या काम यह है, इसके आगे का काम यह है, 24 साल जब तक कन्या का पूर्ण नहीं होता अथवा पुत्र का 24 साल पूर्ण नहीं होते तब तक उनको सत्संग गति में रखना चाहिए। नवम हे द्रव्यम यद्यत् उपधीयते तत्तत् आचूषति एव वयम् नवबुद्धि यद्यत् उपदिश्यते तत्तत् शास्त्रोपदेशमिव अभिजानाति तस्मात् धर्मम् अर्थं चास्य उपदिशे नाधर्मम् अनर्थं च। एक कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिट्टी का जो बर्तन रहता है उसमें यदि पहले पहले बार घी को रख दिया तो आजीवन उसमें दूसरा चीज रखने पर भी घी का महक गंध आता रहेगा। पहले बार यदि तेल रख दिया तो उसके आजीवन काल में तेल का महक आता रहेगा। तो छोटे बालकों बालक बालिका इनको सदुपदेश जो उपदेश किया जाए वो अच्छा उपदेश होना चाहिए। ऐसा यदि होता है 24 साल तक संभाला जाता है तो उनमें अच्छे उपदेश संक्रांत होते हैं और वे नष्ट नहीं होते, वे आजीवन रहते हैं। वो हम लोग यहाँ से गड़बड़ी क्या होती है, हम स्कूल भेज देते हैं बालक बालिकाओं को पढ़ने के लिए, धार्मिक शिक्षा कोई देते ही नहीं, हमारे धर्म के प्रति वेद के प्रति धर्म ग्रंथ वेद के प्रति शास्त्र के प्रति संत वाङ्मय के प्रति महापुरुषों के प्रति भक्तों के प्रति हम कुछ बताते ही नहीं। तो क्या होता है, वे बालक बालिकाएं जो बड़े होते हैं उनको केवल स्कूल की शिक्षा ही प्राप्त होने के कारण, धार्मिक शिक्षा प्राप्त न होने के कारण वे हमारे धर्म वैदिक धर्म या हिंदू धर्म या सनातन धर्म जो भी कहिए उसके प्रति आस्थावान नहीं रहते। उनके प्रति आस्थावान होना चाहिए। लोकज्ञस्य समस्त शास्त्र विदुषो धर्मे मतिर दुर्लभा कहा, बाकी सब चीज जम जाती है लेकिन धर्म के विषय में ही मति चले बहुरा दुर्लभ कार्य है।
तो उसके जो कारण है, कुछ दृश्य कारण कुछ अदृश्य कारण, हमने जो जो अभी तक बताए तो अदृश्य कारण को हटाएंगे, लेकिन दृश्य कारण में तो इनको बचपन से ही सत्संगति में रखना पड़ेगा। यदि असत्संगति में रखा तो वो कुछ नया अलग ही कुछ तैयार होगा। अब इसीलिए आज ये समस्या हो गई कि ब्राह्मणों को ब्राह्मणों की कन्याएं वरण करने तैयार नहीं है, यानी विवाह के लिए तैयार नहीं है। ये जहां विवाह नहीं करना चाहिए शास्त्र द्वारा निषिद्ध है, ऐसे लोगों के वरण के लिए वो तैयार हैं। ब्राह्मण बालक भी ब्राह्मणी के साथ ही विवाह करना, जिसके लिए कोई ये नहीं होगा आग्रह नहीं, कहीं भी करता है, ऐसी परिस्थिति क्यों हो गई? धर्म के बीज उसके बचपन से नहीं रोपे गए, इसका ये फल है। हम आपको उदाहरण रूप में समझाते हैं। कोई पेड़, कोई जमीन लीजिए, बहुत अच्छी जमीन है, उस जमीन में एक लौकी ऐसी है, लौकी माने यहाँ दूधी भोपड़ा कहते हैं, उसकी दो जातियां हैं, एक मधुर और एक कड़ू। कड़ू स्वाद की जो लौकी है, दूधी भोपड़ा है, उसे उसी का बीज बीज बो दिया तो बाद में जो सफल फल फल आएगी फसल, उसमें सब वो जितने फल हैं कड़ुए ही निकलेंगे। तो हम शिक्षा यदि अच्छा नहीं देंगे बचपन से उन बाल अपने बालक बालिकाओं को, तो ये कैसे अपेक्षा रखना कि वो बड़े होने पर हमारी रक्षा करेंगे, तो पितृ सेवा करेंगे, तो मातृ सेवा करेंगे, हमारे धर्मानुकूल चलेंगे, ये अपेक्षा रखना बेकार है। उनको अच्छे संस्कार वहां से देने चाहिए। यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवे, ऐसा सुभाषित में कहा है। नए पात्र में जो संस्कार लग जाते हैं वे ही इधर उधर होते नहीं, वो तभी खत्म होते हैं जब जलते हैं तब। हमारा भी शरीर जब पिता में जलता है तो वहां वही के अर्थात पूरे जीवन वे संस्कार रहेंगे। तो बोलते हैं नवम हि द्रव्यम यद्यत् उपधीयते तत्तत् आचूषति, नए बर्तन में जो वस्तु रखते हैं उसे वो चूस लेता है। एवमयम् नवबुद्धि यद्यत् उपदिश्यते तत्तत् शास्त्रोपदेशमिव अभिजानाति, उस नए बालक बालिकाओं को जो भी कह देंगे उसे वो समझते हैं यही सचमुच है, शास्त्रोपदेशमिव अभिजानाति। इसलिए तस्मात् धर्मम् अर्थञ्चास्य उपदिशे, इसलिए धर्म और अर्थ का उपदेश करना चाहिए, ना धर्मम अनर्थञ्च, अधर्म और अनर्थ का उपदेश नहीं। ऐसा सब यहाँ हुआ है। आज जो ये दुर्दशा है इसके पूर्व की घटना सुनिए। स्कूल के बच्चों को ले जाना किसी गाड़ी में भर के, और जहां चढ़ा वगैरह हो वहां जानबूझ करके उसे रोक देना, और बच्चों को कहना कि चलता ही नहीं, ड्राइवर कहेगा चलता नहीं, तो वह क्या करना? तो अपने अपनी जो तुम्हारी देवता है ना उसका तुम नाम लो, तो कोई राम का नाम ले, कोई कृष्ण का ले, कोई दत्त का ले, कोई शंकर का ले, कोई दुर्गा का ले, इत्यादि। उस समय वो गाड़ी को चलाना नहीं, कहा अब हमारी देवता का नाम लो यीशु कृष्ण का, उस समय गाड़ी चला देना। बालकों को लगा ईसा जो देवता है यही वास्तविक है, उनका बुद्धि भेद हो गया, वो इधर से उधर उनकी भक्ति हो गई, और फिर उसी को महत्व देने लगे, और इधर का कहे। अब ये जानबूझ करके किया गया, इसीलिए कहा एवमयं नवबुद्धि यद्यत् उपदिश्यते तत्तत् शास्त्रोपदेशमिव अभिजानाति, नए बालक बालिकाओं को जो भी कहेंगे उसे वो सच समझते हैं। तस्मात् धर्मम् अर्थं चास्य उपदिशे, उसको धर्म और अर्थ का ही उपदेश करना, ना धर्मम् अनर्थं च, अधर्म और अनर्थ का उपदेश नहीं करना। ये सूत्र कौटिल्य अर्थशास्त्र में राजपुत्र रक्षण प्रकरण में आया है।
राजपुत्र हो कैसे बचाना, वो हम सबके लिए है। तो गर्भावस्था में अच्छे संस्कार होने चाहिए और जन्म होने के पश्चात सत शिक्षा सत्संगति भी अनिवार्य होनी चाहिए। इसके लिए पूर्व में क्या व्यवस्था थी वो सुनिए। हर एक घर में एक ब्राह्मण को बुलाना, वो रामायण की कथा कहेंगे या भागवत की कथा कहेंगे या अन्य पुराण की कथा कहेंगे, उसमें क्रम से कहेंगे और फिर उनकी पूजा करके उनको कोई दक्षिणा दे करके भेजा जाता था और उनका वो जब कथा चलेगी उससे परिवार के सभी लोग सुनने बैठेंगे। ये रोज का कार्यक्रम था, हम लोगों ने बचपन में देखा है आंध्र में मागंटी शास्त्री वगैरह इनके हाथ ऐसा था। तो कहते ऐसी व्यवस्था रही, वह व्यवस्था यदि घर घर में रामायण कथा पुराण कथा या संतवाग्मय की कथा उसी पद्धति से चले तो उसमें सभी लोग बैठेंगे यदि हो जाएगा तो स्वयं ही अपना इतिहास भी पता चलता है और उस प्रसंग से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, मैंने क्या धर्म है, धर्म माने कर्तव्य, अधर्म माने अकर्तव्य, उसका भी ज्ञान स्वयं हो जाता है। तो उसे ही प्रवृत्त पुनः करना चाहिए, तो इससे स्वयं ही सत्संगति उनको मिलेगी सत शिक्षा भी मिलेगी। अब ये करना संभव हो तो दूसरे पद्धति से करेंगे, करना चाहिए ब्राह्मणों के घर में भी होना चाहिए, क्षत्रियों के यहाँ भी होना चाहिए, वैश्यों के यहाँ भी होना चाहिए, शूद्रों के यहाँ भी होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो उनको सत शिक्षा प्राप्त होगी। शिक्षा क्या चीज है तो हमारे न्यायशास्त्र में होता है स्वकर्तव्यत्वेन ज्ञानम शिक्षा, हमें कर्तव्य क्या है इसका बोध हो जाना यही शिक्षा है। हम स्कूल कॉलेज में भी इसीलिए भेजते हैं कि उनको अपना कर्तव्य क्या है इसका बोध हो जाए। कर्तव्य का बोध कुछ नहीं हुआ तो शिक्षा जो हुई वो एकांगिनी हो गई, उसका कोई अपेक्षित फल नहीं है। माता पिता के प्रति भक्ति, धर्म के प्रति भक्ति, वो ब्राह्मण भक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति, ये होना हमारे उनके हिसाब से सही है। और ये सब नहीं हुआ, ये सब के प्रति अनास्था हो गई, केवल डिग्री मिली और कहीं नौकरी मिल गई या कोई उच्च पद मिल गई, इतने से तो शिक्षा का फल नहीं मिला। इसलिए बच्चों को वहां तक रखना चाहिए। पराशर ऋषि कहते हैं कि कोई बालक या बालिका जन्मे तो उसके आयु का निर्धारण 24 साल तक नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिता के दोष से या माता के दोष से या स्वयं के दोष से बालक खत्म हो सकता है। इस प्रकार से गुप्त रूप से ऋषियों ने बता दिया कि बालक बनेंगे बिगड़ेंगे 24 साल के भीतर। जन्म से 24 साल तक यदि हम उनको संभाल ले लेते हैं तो यन्नवे भाजने लग्न संस्कार नान्यथा वैति बाधोगी, कि उसमें जो संस्कार पड़ गए वो इधर उधर नहीं होंगे, वही आजीवन रहेंगे। और ये लड़के इसी समय बिगड़ते भी हैं, विशेष रूप से 16 से 24 साल के भीतर, तो इधर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हमारे यहाँ जो नित्य सेवा आ रही है, देव सेवा है, पितरों की सेवा है, पंचमहायज्ञ है, ये सब सेवा के रूप में है। उन सेवा कुलधर्म कुलाचार उन सबको करना चाहिए। पितरों के रूप में ही भगवान नारायण ही आते हैं और रामकृष्णादि रूप में भी सत्यार्थ कहें भगवान नारायण ही आते हैं। कुलधर्म कुलाचार के भी भोक्ता वो नारायण ही है, अलग अलग रूप लेके आते हैं, वो उनकी सेवा हम यदि सही ढंग से करेंगे तो उनकी कृपा हमारे ऊपर निश्चित रहेगी। इसलिए सबको धर्म के प्रति पुनः संलग्न करना चाहिए। इसका प्रकार यह है, पहले पहले सत्यदत्त व्रत की कथा में बात आई है कि आयु राजा को पुत्र नहीं था तो उसके लिए उसके द्वारा सत्यदत्त की पूजा कराई गई, उसको पुत्र हुआ, ये सकाम भक्ति होगी। काम माने इच्छा।
थी तो पुत्र को प्राप्त कराया गया सत्यदत्त सत्यदत्त कथा से, सत्यदत्त व्रताचरण से। लेकिन जब पुत्र हो गया उसके बाद वो जो पुनः करता है वो अब शुद्ध भक्ति निष्काम भक्ति के रूप में करता है। इसी प्रकार छोटे बच्चों को देव दर्शन के लिए रोज ले जाना, सत्पुरुष अपने गांव में है या उनकी समाधि के स्थान में ले जाना, ये कह के ले जाना चलो वहां चलोगे तो तुमको लड्डू मिलेगा या जलेबी मिलेगी या करंजी वगैरह कुछ मिलेगी। तो वो छोटे बच्चे पहले इस प्रकार चलते हैं कि हमें वहां जाने से लड्डू मिलेगा, तैयार रहते हैं। अब ये बच्चे 15-16 साल तक नियमित रूप से देव दर्शन को जाते हैं, गो सेवा के लिए जाते हैं, ब्राह्मणों को वंदन करने जाते हैं, किसी अच्छे धाम पर जाते हैं, कथा श्रवण आदि के लिए जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है उनको वो स्वाभाविक लग जाता है, फिर लड्डू की आवश्यकता नहीं, वो किए बिना उनको चाहिए ही नहीं पड़ता, इस प्रकार हो जाते हैं। यही व्यवस्था पूर्व की अपने यहाँ थी। बीच में जो आक्रमण हुआ तो सब छिन्न भिन्न हो गया तो लोग इसको भूल गए। पुनः करना हो तो इसी हिसाब से जाना होगा। भागवत में कहा है अस्मिन् लोके चतुर्थ स्कंध में है, राजा पृथु को भूदेवी कहती है, धरती माता कहती है, अस्मिन् लोके तवामस्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेय प्रसिद्धये तानाधिष्ठति सम्यक् उपायान् पूर्वदर्शितान् अवरहा श्रद्धयोपेतहा उपेयान् विन्दतेञ्जसा ताननाधृतयो विद्वान् अर्थान् आरभते स्वयं तस्य व्यभिचरन्त्यर्थाः आरब्धाश्च पुनः पुनः। इन तीन श्लोकों में बताया कि इहलोक में और परलोक में मनुष्यों के कल्याण के लिए तत्वदर्शी मुनि लोगों ने उपायों को देखा और उनको प्रयोग में भी लाया। पूर्वजों ने बताए जो उपाय हैं उन पर श्रद्धा रख करके साधारण व्यक्ति भी उन उपायों को यदि करता है तो उसको वो सफल हो जाता है। और पूर्वज पूर्व के तत्वदर्शी मुनियों के द्वारा जो उपाय बताए उनका अनादर करके नया नया जो कोई उपाय करना चाहता है तो उसके वो कुछ सफल होते नहीं है, वे विचलित हो जाते हैं, सफल नहीं होते, असफलता आती है। अतएव हमको ये देखना पड़ेगा हमारे स्मृतियों में क्या बताए। उपनीय गुरु शिष्यम कहा कि उसको सब सिखाना, उपनयन संस्कार हुआ तो उसको आचारम अग्निकार्यम जो संध्योपासन में जो सिखाना चाहिए बचपन से। अभी क्या होता है अभी 5 साल का है तो 8 साल का है अभी ये क्या संध्या करेगा, जनेऊ हो गया है बहुत है कि छोड़ दिया गया तो बाद में वो संध्या न होने वाली है, न सदाचार होना है, न अग्निकार्य होने वाला है। उपनयन संस्कार हुआ तो उसी दिन से इसको आया वो जैसा उसको प्रवृत्त कर सके करा करके वो कार्य करना। वक्तुरे वही तज्जाड्यम यत्र श्रोता न बुध्यते, हम अपनी बात को दूसरों को समझाए नहीं सके तो हमारी कमी है। वक्ता ऐसा ही होना चाहिए कि उसके बात की छाप दूसरों पर पड़नी चाहिए। अब ये सब भगवत सेवा, संतों की कृपा, गुरु सेवा, गुरु कृपा से होता है। तो हमें जो कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, अब क्या कई वहां सब आचार बताए सत्कर्म, इनकी शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। छोटे बच्चों को नित्य माता का, माता के चरण में पड़ने का गिरने का अभ्यास कराना चाहिए। नित्य मातृ वंदन, नित्य पिताजी को के प्रति वंदन, गुरु के प्रति वंदन, और बाहर से भी कोई बड़े लोग आते हैं अतिथि तो उनके प्रति भी वंदन, ये संस्कार यदि नित्य में पड़ा है तो वो इधर उधर नहीं होता। राम जी का जो चरित्र है वो हमें
नित्य का कैसा उनका दैनंदिनी थी हमें आनंद रामायण में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की दैनंदिनी कैसे थी भागवत के दशम स्कंध में मिलता है, तो उस चीज को हमें देना चाहिए कि नए बालकों को सुबह थोड़ा भगवान नामस्मरण करना चाहिए, थोड़ा ध्यान के लिए बैठना चाहिए, बड़े लोगों को प्रणाम करना चाहिए, स्नान आदि करना चाहिए, इससे पहले खाना पीना नहीं करना चाहिए, और संध्या है, अधिकारी है, इतना तो बड़े लोगों के प्रति वंदन आदि करके देव दर्शन गो दर्शन आदि का संस्कार देते हैं, तो वे संस्कार फिर रोज के लग जाते हैं। फिर हमें आज जैसे प्रश्न में कई प्रश्न रखे गए, ऐसे परिस्थिति देखने का अवसर नहीं मिले, हमें इस हिसाब से जाना चाहिए। तो ये भी महत्व का है, वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम यथैव तथा जडे न तु हृदयोर् ज्ञाने शक्तिं तनोत्यपहन्ति वा भवति पुनर्भूयान् भेदः फलं प्रति तद्यथा प्रभवति शुचिर्बिम्बग्राहे मणिः न मृदाञ्चयः। उत्तर रामचरित्र में भवभूति कहते हैं कि वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम यथैव तथा जडे, एक गुरु के पास दो तरह के विद्यार्थी गए, एक तेज बुद्धि वाला है और एक अत्यंत मंद बुद्धि का है। दोनों को बराबर पढ़ाते हैं, जब वो पढ़ाई पूरे होने की स्थिति आती है तो क्या होता है, एक तो विद्वान निकलता है, मूर्ख ही रह जाता है। अच्छा, ये गुरु ने कुछ किया क्या? नहीं। न तो फलोदयो और ज्ञाने शक्तिं तनोत्यपहन्ति वा, एक विद्वान बन जाए इसलिए उन्होंने कुछ किया, दूसरा मूर्ख, ऐसा कुछ नहीं किया, तो भी ऐसा होता है। ऐसा कैसे होता है? कहते हैं भवति हि पुनर्भूयान् भेदः फलं प्रति तद्यथा प्रभवति शुचिर्बिम्बग्राहे मणिः न मृदाञ्चयः। दर्पण जैसा या कोई रत्न, उसमें परछाई आती है, प्रतिबिंब आता है, और एक मिट्टी का ढेला रख दिया तो उसमें आता नहीं। ये क्या बताता है? हमारे गर्भाधान संस्कार से उसके प्रति ठीक है। गृहस्थ दंपति यानी वर वधु, इनके जो सारे व्रत हैं उनका फल इन बच्चों में आता है क्या? तो इसलिए प्रजाये गृहमेधिनाम, ये रघुवंश में बताया है, तो अच्छी प्रजा में इसके लिए गृहस्थाश्रम है, तो उसके लिए जो शास्त्र में जैसा बताया है उस हिसाब से उन्हें जान करके, योग्य व्यक्ति से जान करके उसका प्रयोग यदि करेंगे, तो आज भी पुनः हमारे यहाँ राम जी, समर्थ रामदास जी, महाराजा शिवाजी जैसे बालक आएंगे, और इधर उपेक्षा यदि करेंगे तो जो दुर्दशा देख रहे हैं वो है ही है, हो सकता है और दुर्दशा बढ़े, या भगवान की कोई कृपा हो तो कुछ दुर्दशा कम हो। तो बात यह है, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति धर्मेण पापमुपनदति धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् धर्मं परमं वदन्ति। महानारायण उपनिषद ने 12 साधन बताए, तप है, सत्य है इत्यादि, उसमें एक धर्म के प्रति कहा, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, संपूर्ण जगत की, जगत का आधार है धर्म। लोके धर्मिष्ठं प्रजाः उपसर्पन्ति, अतिशयित जो धार्मिक रहता है, अत्यंत धार्मिक, उसको धर्मिष्ठ कहते हैं, तो उसी के पास अपनी रक्षा के लिए प्रजाएं जाती हैं। धर्मेण पापम अपनुदति, धर्म का अनुष्ठान से पाप का क्षालन, पाप दूर होते हैं। धर्मे सर्वम प्रतिष्ठितम, सब उस धर्म में ही प्रतिष्ठित है, तस्मात् धर्मम परमम वदन्ति, इसलिए धर्म को ही परम साधन कहते। पिताजी के समय की एक बात सुनी, हमारे यहाँ कोई जमीन थी, उसके प्रति आसपास जो ये हरिजन थे उन्होंने कुछ कब्जा कर लिया था और वो छोड़ने नहीं था, तो न्यायालय में वो बात चला 17 साल तक। न्यायालय में वो भी जाए, हमारे यहाँ पिता एक शिष्य थे कृष्ण शास्त्री, उदास हो जाते थे,
बहुत दूर जाना पड़ता था। वहां से लौटने के बाद सायंकाल ये हरिजन जो वहां जाते थे न्यायालय में, उन्हीं के यहाँ मुख्य व्यक्ति पिताजी के पास आएंगे, देवता जी हमारे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, आप कुछ दीजिए। तो उनके घर में 25 लोग थे, सबके लिए अन्न पिताजी देते थे। वैष्णदेव का समय हुआ तो उस समय जो भी आवेगा वो भगवान नारायण का स्वरूप है, उसको देना चाहिए। धर्मशास्त्रीय जो व्यवस्था उसका वो आचरण करते थे, तो नहीं न्यायालय भले ही सब अन्न देते थे, ऐसे एक बार नहीं कई बार हुए। तो वाक्सु धृता दया दानम दीनोपगत रक्षणम इति संग सदाम साधु हितम सत्पुरुष व्रतम कामद की निष्ठा ने बताया। सत्पुरुषों का ये व्रत है, प्रिय बोलेंगे, वाक्सु धृता दया करेंगे, दान करेंगे, धर्म दीन दीनो दीन और आश्रित की रक्षा करेंगे और सत्संगति में रहेंगे, ये पांच। तो हमें स्वयं और अपनी पीढ़ी को भी इसमें दीक्षित करना पड़ेगा। शुचिरास्तिक्य पूतात्मा पूजे देवता सदा, शुचिर्भूत होकर के परलोक भी एक है इस मन में भावना रख के रोज देवताओं की पूजा करना। देवता अपने लिए अनुकूल होते हैं, देवता वत गुरुजनम, इस प्रकार देवता की पूजा करना, इसी गुरुजनों की भी नित्य पूजा करना। आत्मवच्च सुहृदजन मित्रवर्ग के साथ अपने जैसा व्यवहार रखना। प्रणिपाते नहीं गुरु, गुरु जी को नमस्कार करना, इसके वो अनुकूल हो जाते हैं। सतो नुचान चेष्टित ही, कोई विद्वान आ गया तो उसमें विद्वान लोग जैसा चलते इस प्रकार उनसे व्यवहार रखना। मुखान भूते देवान सुकृत कर्मणा, पुण्य कर्म के द्वारा ऐश्वर्य प्राप्त हो इसलिए देवताओं को अनुकूल करना। सद्भावेन हरेन मित्रम संभ्रमेण च बांधवान, सद्भाव के द्वारा विश्वास के द्वारा मित्रवर को अनुकूल कर लेना, और कुछ हम कर रहे हैं इस प्रकार से सदा उद्युक्त होकर बंधु बांधवों को सुसंगठित रखना। स्त्री भृत्यां प्रेमदानाभ्यां, स्त्रियों के साथ प्रिय व्यवहार, और जो नौकर वर्ग है उसके साथ उसे दान के द्वारा अनुकूल करना। दाक्षिण्येन इतरान जना सरल व्यवहार और उदारता, यही दक्षिण की दो व्याख्या मिलती है, दक्षिणे सरल उदार, तो सरलता और उदारता, उदारता में देने में ये रहत्याग, इनके द्वारा बाकी लोग को अनुकूल कर देना। अनिंदा पर कृत्येषु सधर्म परिपालन, दूसरे के धर्म की निंदा नहीं करना, अपने धर्म का पालन करना। कृपणेषु दयालुत्वं सर्वत्र मधुरा विरहा, जो कमजोर लोग होंगे तो उनके प्रति दया का भाव रखना, सब जगह मधुर बोलना। प्राणेरप्युपकारित्वं मित्राया व्यभिचारिणि, जो सच्चा मित्र हो उसके लिए जरूरत पड़े तो अपना प्राण त्याग करके भी उसका काम कर। गृहागते परिश्वंगहा शक्त्या दानं सहिष्णुता, घर में कोई आए तो उनका आदर सम्मान करना, शक्ति के अनुसार दान करना। कभी अतिथि भी बिगड़ल आ जाते हैं तो मौन व्रत धारण करना, सहिष्णुता सहनशील रहना। स्वसमृद्धेष्वनुत्सेकः परमृद्धेष्वमत्सरः, अपनी समृद्धि हो गई उसमें घमंड में फूलना नहीं, और दूसरे के वृद्धि हुई कुछ उसके यहाँ उत्कर्ष हुआ तो जलन नहीं रखना मन में। नान्योपदाभि वचनं मौनं व्रतचरेष्णुता, दूसरे को चुभे ऐसा कोई वचन का प्रयोग नहीं करना, मौन व्रत का धारण करना। बंधु निर्बद्ध संयोग स्वजने चतुरस्वता, बंधु बांधवों को संगठित रखना और सज्जन के साथ टेढ़ी चाल से नहीं रख चलना, अनुकूल चलना। सचिता अनुविधायित्वं, सज्जनों के मनोनुकूल चलना। इति वृत्तं महात्मना, ये महात्माओं का सदाचार है, गृहस्थ महात्माओं का। सनातने वर्तमनि साधु देव,
सेवताम अयम हिपंथा गृह मेधिनाम मतः। ये सनातन मार्ग का ये मार्ग बताया है। अनेन गच्छन् एतम् महात्मनां मञ्च लोकं परमञ्च विन्दति। इस तरह से यह लोक में भी प्राप्ति होती है, परलोक की ही प्राप्ति होती है। इति पथि विनिवेशिता आत्मनो रिपुरपि गच्छति साधु मित्रताम तदवनिपति मत्सरालपे विनय गुणेन जगद्वशी भवे। इस मार्ग में जब कोई चलेगा तो शत्रु भी उसके मित्र बन जाते हैं। केवल इसमें इतने नियम है, इतने बड़े नियम से जो रहेगा वो भी राजा के साथ शत्रुता न करे, मात्सर्य न करे और विनय गुण के द्वारा सबको अनुकूल कर दे। विनय माने लोक मर्यादा और शास्त्र मर्यादा का पालन। इस हिसाब से ये हमारे कामंत की नीति सार में साधन। हमारे पिताजी बताते थे कामंत की नीति सार में कुल 20 या 21 सर्ग है, 20 हैं। उसमें प्रारंभ के जो 7 सर्ग हैं सबके लिए काम के हैं। अपनी प्रजा को सुरक्षित रखना है, अपना धर्म बचाना है, विश्व को अनुकूल करना है, जहाँ जहाँ जो त्रुटियाँ उनका निवारण करना है, तो कामंत की नीति सार 7 सर्ग ये अवश्य पढ़ने के हैं। उसमें सब बात है, उसी में से हम कुछ आपको बताए। तो मूल ये चीज है कि धर्म ये रक्षा। अब इस प्रसंग से एक मनुस्मृति की बात बताते हैं। मनुस्मृति में ये बताया है कि गृहस्थ कैसा रहे, तो कहा कि गृहस्थ माता पिता पत्नी पुत्र कन्या सेवक नौकर मामा सास ससुर और गुरु अतिथि और भी माया, ये सब कुछ भी कहें, कुछ चिल्लाते भी आए या कुछ भी कहें, तो शांत रूप से उसे सुन ले। मन से भी इनमें से किसी के भी प्रति गलत भाव नहीं रख, उनका अनिष्ट चिंतन नहीं कर। इससे क्या होता है, कहते हैं कि सर्व पाप क्षय होता है, सारे पाप नष्ट होते हैं और लोक जय भी होता है। यह लोक भी अनुकूल बन जाता है, परलोक भी अनुकूल पड़ जाता है। कारण उन्होंने बताया, माता तो ये धरती का स्वरूप है, पिता जो है तो प्रजापति के स्वरूप हैं, पुत्र तो अपना ही स्वरूप है, पत्नी भी अपना ही स्वरूप है, आत्मा भी पुत्र नामा से ऐसा वाक्य आता है, और शरीर का आधा भाग वो प्रिया पत्नी है, सेवक अच्छा कन्या जो है वो कृपण पात्र कृपणम पात्र दुहिता कृपणम पात्र वो दया की पात्र है, सेवक जो है अपना छाया ही है। ये सब कह करके ये लोग जिस समय चीज लाते हैं उस समय गृहस्थ अपने में जो कमी है उसका अनुसंधान करें। महाकाल संहिता एक ग्रंथ है तंत्र का, उसमें बताया है कि शब्द ये वृक्ष के पत्ते जैसे है और शब्द का जो अर्थ है वो उसकी छाया जैसा है। अर्थात क्या निकला, वृक्ष का जो पत्ता है उसमें भी छेदा वगैरह नहीं, छिद्र वगैरह नहीं है, तो उसकी जो परछाई पड़ेगी छाया उसमें भी वो छेद नहीं दिखेगा। अर्थात अपने द्वारा जो कुछ कमी है उस कमी के द्वारा ही पत्नी चिल्लाती है, माता चिल्लाती है, पिता चिल्लाते हैं, गुरु चिल्लाते हैं, पुत्र चिल्लाता है, कन्या चिल्लाती है, सेवक आदि भी चिल्लाते हैं। तो इस चीज का वहां अनुसंधान करना है। अतएव ये गृहस्थाश्रम को बहुत महत्व दिया है। ब्रह्मसूत्र में एक स्वतंत्र अध्याय का अधिकरण है, कृष्ण भावात्तु गृहिणोपसंहारः। छांदोग्य उपनिषद में आचार्य कुलात् वेदमधीत्य इस खंड में बताया गुरुकुल में जाकर के वेदाध्ययन करना, उसके बाद समावर्तन संस्कार करके विवाह संस्कार करके पवित्र देश में रह करके सारे इंद्रियों को वश में रख करके पुत्र और शिष्यों को धार्मिक बनाते हुए यावत जीव जब तक जीवन है तब तक ब्रह्म चिंतन करते हुए
जो रहता है तो कहा नस पुनरावर्तते नस पुनरावर्तते, उसको पुनर्जन्म नहीं है, यही जाके छात्रों को प्रश्न पूर्ण होता है। तो प्रश्न वहां आया कि संन्यास को अधिक महत्व है कि गृहस्थाश्रम को, तो कहा कि गृहस्थाश्रम से भी इस प्रकार पूर्ण होता है, ब्रह्मता को प्राप्त होते। नारायण पद्मभुवम वशिष्ठम जगति जगत्पुत्र पराशरच व्यासम, यहाँ तक की जो परंपरा है ये तो गृहस्थ ही है, नारायण की पत्नी है महालक्ष्मी, पद्मभू ब्रह्मा जी है उनकी पत्नी है सरस्वती या सावित्री, नारायण पद्मम वशिष्ठम वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति है, शक्ति तत्पुत्र पराशर व्यास तक गृहस्थ ही आए ब्रह्म विद्या के प्रवर्तक। तो इसलिए गृहस्थाश्रम में रह करके भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। वहां कहा कृत्स्न भावात्तु गृहिणोपसंहारः, कृत्स्न भाव माने वहां संपूर्णता है, इसलिए गृहस्थाश्रम में ही उपसंहार किया गया है छात्रों के परिषद में। योग्य आदर्श दंपति यदि रहते हैं तो विश्व का संरक्षण होता है। गृहस्थाश्रमी के यहाँ जाने से ही ब्रह्मचारी को भिक्षा मिलती है, वानप्रस्थों के भी रक्त नहीं को भिक्षा मिलती है, अन्यथा इनको भिक्षा भी नहीं मिलती, सबकी रक्षा होती है। यह वैश्वर्य यज्ञ जब करते हैं तो पितृभ्य स्वधास्तु भूतेभ्यो नमः मनुष्येभ्यो हंता, इससे जो बलि देते हैं तो पितृभ्य स्वधास्तु से वह पितरों को मिला, मनुष्येभ्यो हंता से सब मनुष्यों के अन्न की व्यवस्था हुई, और भूतेभ्यो नमः से सब प्राणियों को मिला। इस प्रकार विश्व का रक्षण का कार्य ये गृहस्थ के द्वारा होने के कारण इनके द्वारा जो देव यज्ञ पितृ यज्ञ भूत यज्ञ मनुष्य यज्ञ अतिथि यज्ञ इनको ब्रह्म यज्ञ, इसको पंचमहायज्ञ कहा। ये तो सोमयागादि बड़े बड़े यज्ञ हैं, लेकिन पंचमहायज्ञ यही है। और मनुस्मृति में बताया उन यज्ञों से भी श्रेष्ठ जो श्रौतयागादि बड़े हैं उनसे भी श्रेष्ठ ये पंचमहायज्ञ है। इन पंचमहायज्ञों को रोज करना चाहिए। देखिए सोलापुर में सिद्धेश्वर हो गए एक सत्पुरुष, उन्होंने अपने जीवन काल में वहां के लोग थे उनको कुछ खाने पीने नहीं था, तो सबको कहा कि यार तालाब खोदो, तो तालाब उनसे खुदवाया 23 या 24 साल में, और उनके लिए अन्न रोज देते थे, उसका परिणाम है कि आज सोलापुर में वहां जाने पर पानी मिलता है। तो सत्पुरुषों के द्वारा जो रचना होती है ऐसी होती है। राजा भोज ने भोपाल में ताल बनाया तो उसका आज भी पानी है। तो वृक्षारोपण है, ऐसे ही जल की व्यवस्था है, लोगों के खाने पीने की व्यवस्था है, योग्य औषध की व्यवस्था है, तो ये सब काम होता है। तो प्रजापतिर्हि वैश्याय सृष्ट्वा प्रजते पशून, ब्राह्मणाय च राज्ञे च सर्वाः प्रजते प्रजाः, न च वैश्यस्य कामस्यान् न रक्षेयं पशूनिति, वैश्य रक्षति नान्येन रक्षितव्या इति स्थितिः। ये महाभारत में कहा कि ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की सृष्टि करके पशुओं की सृष्टि करके वैश्यों को उनके उनको संभालने का कार्य दिया, और ब्राह्मणाय च राज्ञे च सर्वाः प्रजते प्रजाः, सारे मनुष्यों की रक्षा का कार्यभार ब्राह्मण और क्षत्रियों को दिया है। न च वैश्यस्य कामस्यान् न रक्षेयं पशूनिति, वैश्य ऐसा कभी न चाहे कि मेरा काम ये नहीं है कि पशु रक्षा करना। और दूसरा बताया वैश्य रक्षति नान्येन रक्षितव्या इति स्थिति, वैश्य रक्षति सति पशु रक्षति सति, पशु की रक्षा में यदि वैश्य लगे हों तो उसमें दूसरे लोग दखलंदाजी न करें, इससे वो भी ध्यान नहीं देते हैं। बात ऐसी है कि एक एक दो गाय का पालन तो घर में सभी के यहाँ होना चाहिए, होता था, लेकिन बड़ी मात्रा में पशुओं की रक्षा का कार्यभार तो वैश्यों का है, ब्राह्मणों का नहीं, न क्षत्रिय का है। हाँ, वे लोग यदि ध्यान नहीं देते हो तो उसमें ब्राह्मण क्षत्रियों को भी इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो उसमें कहा तो ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों मिल करके काम करते हैं, एक से नहीं होता। ब्राह्मण का काम है ज्ञान रक्षा और ज्ञान को क्रियान्वित करना, और प्रजा रक्षा ये पालन क्षत्रियों का है। तो इसलिए
उनको अपने अपने कर्तव्य का बोध कराना चाहिए। कर्तव्य का बोध ही हमारे यहाँ गर्भाधान आदि संस्कार अभी जैसा कहा वो सही ढंग से आवे, उसके बाद उनके अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था अच्छी हो तो ये संभव है। और सब में ही दुस्संगति से बचाना चाहिए, सत्संगति में उन्हें रखना चाहिए हिसाब से। अब मनु ने कितना अच्छा बात बताई कि गृहस्थ इस प्रकार से रहे, पत्नी को भी कभी न बिगड़े, पुत्र को भी न बिगड़े, कन्या को भी न बिगड़े, माता को भी न बिगड़े, सब सहन कर ले। इस धर्म का पालन यदि कोई घर में करता है तो घर में कोई क्लेश नहीं रहता है। और जिस घर में कलह आदि नहीं होता है वही महालक्ष्मी आती है और वही भगवान नारायण भी रहते हैं। नारायण का एक स्वरूप है धर्म, धर्म पालन जब वहां होता है तो लक्ष्मी पतिव्रता होने के कारण वो भी वहीं आती है। लक्ष्मी के दो स्वरूप है, एक न्यायार्जित धन से जो धन आता है वो एक लक्ष्मी है, ये स्थिर लक्ष्मी है, वो कभी नष्ट नहीं है। अन्याय मार्ग से जो धन आता है वो अलक्ष्मी है। तो लूटपाट करके चोरी आदि करके किसी प्रकार से धन खूब ला लिया, ये कोई हमारे यहाँ भूति समृद्धि नहीं है। पृथ्वीपाशाम लाम ज्येष्ठाम लक्ष्मीर्नाशयाम हम अभूति मधुमर्धि सर्वान्मद में ग्रहाध्याय अलक्ष्मी। जो न्यायार्जित धन है वो वहां लक्ष्मी है, ये स्थिर लक्ष्मी है। तो अस्थिर लक्ष्मी से आप कभी कभी ऐसा दिखता है कि जो लोग धर्मानुष्ठान नहीं करते दूसरे तरह करते हैं तो बढ़ जाते हैं। कहा अधर्मेण इहते राज्यम और कहा दश वर्षाण तिष्ठते तत सपत्तान जयति समूलज्य विनश्यति। अधर्म के द्वारा कभी राज्य प्राप्त हो जाता है और कुछ पढ़ता है और कुछ साल तक वो सब ऐश्वर्य रहता है, शत्रुओं को भी जीतना, लेकिन उसका तो समूल नष्ट हो जाता है। द्रुह्यन्ति ये ब्राह्मण पुंगवेभ्यः वेदान् विवादैरपि खण्डयन्ति, निन्दन्ति विश्वेश्वर पादपद्मं तेषां कुलं पुत्र तेषां पुनः तेषां कुलं पुत्र पुनः पृथिव्यां। भूदेव कवि रचित धर्म विजय नाटक का ये श्लोक में कहा द्रुह्यन्ति ये ब्राह्मण पुंगवेभ्यः, श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ जो लोग द्रोह करते हैं, ब्राह्मण नहीं चाहिए, ये खत्म है इस प्रकार की जिनकी भावना है। वेदान विवादैरपि खण्डयन्ति, वेद का खंडन करते हैं, वैदिक मार्ग का खंडन करते हैं वाद करके। तत्व ज्ञान के लिए कोई चर्चा हो तो ठीक है, फालतू जो चर्चा करते हैं विवाद कहते हैं। तो वेदान विवादैरपि खण्डयन्ति, वेद का खंडन करते हैं और निंदन्ति विश्वेश्वर पादपद्मं, जो जगदीश्वर है शंकर है या विष्णु भगवान है दत्तात्रेय की निंदा करते हैं। तेषां कुलं पुत्र पुनः पृथिव्यां, उनका कुल रहता नहीं, कुछ समय रहेगा पर खत्म हो जाते हैं, वंश सहित विनाश। इसलिए ब्राह्मण द्रोह से बचना चाहिए, वेद के खंडन से बचना चाहिए, वेद के विषय में जो आया उसको सुनना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। समझने के लिए जिज्ञासा भाव से योग्य गुरु के पास जाके नम्रता से चर्चा करना वो तो ठीक है, लेकिन अन्य ढंग से यहाँ नहीं जाना चाहिए और भगवान के चरण कमल की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो हमारे पूर्वजों ने यही बात की, ब्राह्मणों का आदर किया, वेद सिद्धांत में वो रहे और भगवान की सेवा की, यही शिक्षा आगे के समाज को भी देना चाहिए। हमारे यहाँ बालक बालिकाओं को बचपन से ही यदि ये शिक्षा दी गई कि दी जाए कि हमें बड़े होने पर कन्या को हमें ब्राह्मण कुल में हमें ब्राह्मण के ही साथ विवाह करना है,
बालक को हो तो हमें बड़ा होने पर ब्राह्मण कन्या के साथ ही विवाह करना है। क्षत्रियों को हो, हम क्षत्रिय हैं तो हमें आगे क्षत्रिय कन्या से ही विवाह करना है। क्षत्रिय कन्या को हो कि हमें आगे जो विवाह करना है किसी क्षत्रिय बालक से ही करना है। वैश्य समाज को ये हो कि हमारे बड़े होने हमें विवाह वैश्य कन्या से ही करना है। वैश्य कन्या को भी हो हमें विवाह वैश्य कुमार से ही करना है। शूद्र को भी हमें शूद्र कन्या से करना है। शूद्र कन्या को हमें शूद्र कुमार से ही करना है। तो अपने लोगों को दूसरे जगह लेके नहीं कोई जा सकता। ये जो कभी उसमें आई कि विवाह किसके लिए है, पहले यहाँ है मनुष्य जन्म किसके लिए, इसका विचार नहीं। मनुष्य जन्म किसके लिए है तो भागवत में एक श्लोक आता है, सृष्ट्वा पुराणं विधान निजे आत्मशक्त्या वृक्षान् सरीसृप पशून् खगदंशमत्स्या तैस्तैरतुष्ट हृदय पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं उदमापदेवः। पहले ब्रह्मा जी ने पेड़ों की सृष्टि की, उसके बाद जो सरपट होके जाते हैं छिपकली सांप आदि इनका किया, पशुओं की सृष्टि की, पक्षियों की दंश करने वाले मच्छर आदि की सृष्टि की, मछली आदि उनकी सृष्टि की, ऐसे कई सृष्टियां की, लेकिन किसी से भी ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। क्यों नहीं? उनमें ये शक्ति नहीं है कि इस विश्व का कर्ता कौन है उसका जानने की शक्ति नहीं। इसलिए फिर पुरुष का निर्माण माने मनुष्य शरीर का निर्माण किया और उसमें ऐसी बुद्धि में ताकत थी, ब्रह्मावलोकधिषणम ब्रह्म साक्षात्कार कर सकेगा ऐसी बौद्धिक शक्ति उसमें देकर के सृष्टि की, और वो सफल हुआ तो उसमें उनको संतोष हुआ। तो पुरुष जो आए, मनुष्य जो आए, इनको परमेश्वर का साक्षात्कार होना चाहिए ऐसी बुद्धि उसमें रखी है, तो उसका सदुपयोग यदि करेंगे तो ये परमेश्वर साक्षात्कार तक पहुंच सकते हैं। उनके लिए ये सारा क्रम है, हमारा ब्राह्मण संस्कार, उपनयन आदि संस्कार, और वो गर्भाधान आदि संस्कार योग्य पद्धति से अभी तक जो बताया बहुत विचार है। उसके बाद उनका जन्म होने के बाद अच्छी शिक्षा, अच्छे लोगों के संगति में रखना, वो बड़े होंगे उनको तो सब पढ़ा देना, 24 साल तक दुष्ट वातावरण न मिले ऐसा रखना, और उसके बाद उनके योगक्षेम की भी व्यवस्था करना। पिता पुत्रान उत्पाद्य, उसके बाद कहा संस्कृपनाय संस्कृत्य वृत्ति कल्पयित्व, फिर वो छूटता है। अपस्तम ऋषि का ये कहना है कि पुत्र उत्पन्न हुए तो उनको बड़े करना, उनको योग्य शिक्षा देनी, संस्कार सब करने शिक्षा देनी, उनके योगक्षेम की भी एक व्यवस्था कर देनी, इस आधार से वो चले, फिर उनको सब कार्यभार सौंप के फिर अपना जंगल में तपस्या आदि करने जाना। तो ये बहुत बड़ी चीज है। राजशास्त्र का विषय है कि सबको सुसंघटित रहना चाहिए। तो सुसंघटित कब रहते हैं? सुसंघटित रहने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। सर्वे यत्र विनयतारः सर्वे पंडित मानिनः सर्वे महत्वमिच्छन्ति तद् वृन्दम् अवसीदति, ये सुभाषित का श्लोक है। सर्वे यत्र विनयतारः कहता है सभी लोग हुकुम देने चले, आज्ञा देने चले तो समूह नहीं रहता। सर्वे पंडित मानिनः स्वयं को ही बुद्धिमान समझने लगेंगे, विद्वान मानने लगे सारे के सारे, तो भी चलता नहीं। और कहा सर्वे महत्व इच्छन्ति सारे के सारे महत्वाकांक्षी हो जाएं तो समूह को नहीं बचा सकते। तो संगठन एक बहुत बड़ी शक्ति है, उसकी बहुत जरूरत है कि हमारे सनातनियों में जो भी जिस समुदाय का भी हो सब एक दूसरे के प्रति आदर दें, उसके द्वारा जो अच्छा कार्य होता है उसका गौरव करें, कौतुक करें, सम्मान करें और एक दूसरे को मदद करें। यह बात यदि होगी तो संगठन यदि बनेगा तो सब काम होगा। संघे शक्ति कलौ युगे ये कहा है, और संगठित नहीं होगा
तो क्या होगा? तो नहीं होगा। कहा है बहूनाम प्यसाराणाम समवायो हि दुर्जयः प्रणयरावेष्टते रज्जुः येन नागोपि बध्यते। पंचतंत्रादि के श्लोक है इसमें कहा हितोपदेश ने भी बहूनाम प्यसाराणाम, सब कमजोर कमजोर लोग हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत बड़ी है और वे सब एकजुट हैं। बहूनाम प्यसाराणाम समवाय है, उसे कोई जीत नहीं सकता। वहां जय प्राप्त करना कठिन होता है। कैसे? उदाहरण दिया हाथी है, हाथी बहुत बलवान होता है, उसके लिए रस्सी बनाई जाती है। वो रस्सी किससे बनी? घास फूस से ही बनती है। तो घास फूस में एक घास फूस आएगा तो उसमें कोई शक्ति नहीं है। देखो सारे घास फूस के द्वारा मसल करके जब रस्सी बन गई तो बहुत से कृण एकत्र हो गए जो दुर्बल थे, उनमें भी इतनी अपार शक्ति आ गई कि हाथी को बांध देते। तो एकजुट रहना चाहिए। कहीं भी कोई कार्य आवे, ब्राह्मण का कार्य है, वेद रक्षा का कार्य है, गोरक्षा का कार्य है, दीन गरीब दुबले का कार्य है, तो ये सब जो कार्य अच्छे अच्छे आदर्श हैं इनके लिए सबको एकजुट रहना चाहिए। तो ये भी है। अब विषय ऐसा आता है कि सब कैसे हो, उसके लिए हर साल घर में वास्तु शांति करनी चाहिए। इससे कलह आदि होता नहीं, घर में शांति बनी रहती है। मेरुदत्त ने बताया है शैवागम में, कामिकागम में ही ये बात बताई। पशुओं की गौशाला में हर साल वास्तु शांति हो, अपने जितने उद्योग के स्थान है वहां हो, अपने खेत में हो, नगर में हो, सब जगह वास्तु शांति होनी चाहिए। और इसी प्रकार हर बार हो तो संभव तो नवग्रह का होम हो। और जो चिकित्सक हैं और दैवज्ञ हैं इनके प्रति अपार श्रद्धा होनी चाहिए। गत शरीर गणकान्वेष्टि गतायुष्ट चिकित्सक ये बताए, गत शरीर ब्राह्मणान्वेष्टि ब्राह्मण से द्वेष, ज्योतिषी लोगों से द्वेष, चिकित्सकों से द्वेष वही करता है जिसका सब नष्ट होने का रहता है। इसलिए इन सबके प्रति आदर भाव रखना चाहिए। वो जैसा योग्य मार्गदर्शन करते उस हिसाब से अपने करना चाहिए। जो पुरोहित है इनका बहुत उच्च स्थान होता है, ज्योतिषियों का बहुत उच्च स्थान होता है, जो चिकित्सक है उसका ही बहुत उच्च स्थान होता है। ऐसे ही पुराण आदि सदुपदेश जो करते हैं उनका भी बहुत उच्च स्थान है। तो ये सब बात जब होगी तो ये काम बन सकता है। तो संगठित होना चाहिए और अपने ग्रंथ में जो जो छिपी बातें हैं, जो लोकोपकारक हैं, उनको भी समाज में लाना चाहिए। प्रत्येक जन्म कुंडली में द्वितीय भाव यानी धन भाव, पंचम भाव यानी विद्या बुद्धि आदि का भाव, नवम भाव यानी भाग्य भाव उन्नति का स्थान, धर्म का भी स्थान, और एकादश भाव माने आय लाभ का स्थान। ये चारों भावों के कारक गुरु को माना है। कुंडली में 12 खाने होते हैं, उनमें से 4 भाव तो यही हो गए, अर्थात एक तृतीयांश गुरु के क्षेत्र में आया। इसलिए पत्रिका में गुरु को बलवान बनाना चाहिए। जन्म होने के बाद से वहीं से स्त्रियों के कुंडली में सप्तम भाव का भी एक कारक गुरु माना जाता है, तो 5 भाव का कारक गुरु हो जाता है। इस गुरु को यदि जन्म से ही ये बलवान करते हैं जपादी के द्वारा, तो कन्याओं के बड़े होने पर उनको वर नहीं मिलता ये समस्या नहीं रहेगी। और पुत्रों के जन्म भाव में यदि जन्म कुंडली को देख करके यदि इसका होता है तो उनकी पढ़ाई अच्छी होगी, धार्मिक निकलेंगे, आय होगी और पैसा बचेगा भी, ये उसका शुभ भाव है। लग्न से दूसरे भाव और पंचम भाव क्या जो स्वामी हो, नवम भाव इनके भी अधिपतियों का पूजन आदि करना चाहिए, जप आदि करके उनको बलवान करने पर।
स्त्री हो या पुरुष हो, कन्या हो या बालक हो, इनकी पढ़ाई अच्छी होती है। एक सुबोध भृगु संहिता है, मूल भृगु संहिता का अनुवाद है, उसमें एक जगह ऐसा मिला, ऋण परिहार के लिए द्वितीय भाव का पूजन करना। द्वितीय भाव का जो स्थान में यदि मंद यानी शनि रहेगा, राहु रहेगा अथवा केतु रहेगा, तो बाद में उस कन्या का भी नहीं अपने इसमें होगा पुरुष के जातक में, तो उसके लिए जो विवाह तो कन्या मिलेगी वो ही न मिलेगी। सप्तम में जो मंगल है तो वैधव्य का कारक है स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए वैधव्य का कारक है, पत्नी नहीं बचे या पति न मिले या पति नहीं बचे, मंगल का भी शांति करने की। इन सब भावों में शुभ ग्रह की दृष्टि, शुभ ग्रह का सबके के साथ न हो तो सारे काम बिगड़ जाते हैं। सौम्य युक्ते शुभस्थाने संस्थिते कर्मपे सति वाणिज्य तो राजतो वा लाभ हानिर्विपर्य। कर्मेश यानी दशम स्थान का जो स्वामी है, लग्न से दशम स्थान का स्वामी, वो शुभ स्थान में हो। शुभ स्थान माने 1, 4, 5, 7, 9 और 10 इन स्थानों में भी होगा और शुभ ग्रह के साथ होगा तो उसको व्यापार से लाभ होगा अथवा राजा से लाभ होगा। हानिर्विपर्य वो यदि अन्य स्थानों में रहेगा या पाप ग्रह के साथ रहेगा, व्यापार में भी नुकसान होगा इधर में। हमारे कहने का मतलब यह है कि ज्योतिष ये शास्त्र क्या है, तो सारावली ग्रंथ में बताया है कि चित्रगुप्त लिखित जो है उसको बदलाने वाला ये शास्त्र है, अर्थात शुभ अशुभ को बदलना, दशा आदि का परिहार करना चाहिए, ये बचपन से ही धर्म। आयुर्वेद की जानकारी यदि हुई और पथ्य के अनुसार चले तो रोग ही नहीं आता है, तो रोगी होकर के इतनी जो दुर्दशा थी इसका परिस्थिति ऐसी परिस्थिति नहीं आती। इसी प्रकार अर्थार्जन की जो विद्याएं हैं, लाभ स्थान एकादश स्थान, उसका स्वामी जी गड़बड़ाया तो उसका जप करके किया तो लाभ होगा, और व्यय स्थान नहीं गड़ाया वहां का ठीक करेंगे तो अच्छा व्यय होगा। गायत्री का जब पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए, विष्णु सहस्रनाम का पारायण करना चाहिए, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और राम भक्ति करनी चाहिए, करने से गौतम ऋषि का शाप, दुर्वासा ऋषि का शाप, नंदिकेश्वर का शाप, दधीचि आदि ऋषियों का शाप और सीता जी का शाप और लक्ष्मी जी का शाप हटता है तो आर्थिक स्थिति सुधरती है। लक्ष्मी के कही जप है तो दुर्गा का अनुष्ठान है, कुबेर मंत्र का अनुष्ठान है, स्वर्णाकर्षण भैरव है, कई चीजें हैं, ठीक समझ करके करना चाहिए। इस स्थान में 25 साल से गुरु चरित्र का पारायण हो रहा है, उसी कार्यक्रम को लेकर के अभी रजत जयंती चल रही है, 25 साल में रजत जयंती मनाते हैं। गुरु चरित्र ग्रंथ ये भी वेद के जैसा है, अति पवित्र है, सिद्ध ग्रंथ है, इसके द्वारा भी सब लोग सब कार्य कर लेते हैं, तो उसका भगवान दत्तात्रेय की कृपा से यहाँ महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र आदि प्रदेश में बहुत प्रचार है, तो वो यहाँ लगाया गया है, उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा रख के भी अपने चलेंगे तो वहाँ कली का प्रवेश नहीं। भगवान दत्तात्रेय ये अत्यंत दयालु हैं, संपूर्ण भारत में प्रतिदिवस वो भ्रमण करते हैं भक्तों के कल्याण के लिए, वो स्मर्तृगामी हैं, स्मरण किया तो दत्तात्रेय प्रकट, दत्तात्रेय का सान्निध्य मिलता है कुछ देवता स्मरण से, नारद जी का स्मरण किया नारद जी वहाँ जाते हैं, हनुमान जी का स्मरण किया हनुमान जी आ जाते हैं, कार्तवीर्यार्जुन आ जाते हैं, भगवान दत्तात्रेय का स्मरण से वो आ जाए, और भी दो तीन लोग हैं, तो दत्तात्रेय के स्मरण से और गुरुचरित्र का पारायण से, उस पारायण के श्रवण से और उसके अर्थ का मनन
और तदनुसार आचरण करने से हमारा यह लोक और परलोक भी सुधरता है। जो जो समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए योग्य गुरु के पास जाना, योग्य जो अपने से वृद्ध लोग हैं उनके पास जाना और विषय समझ करके उसका प्रवर्तन करना, कोई भी होता है ये सारी समस्याएं हट जाती हैं। प्रश्न तो बहुत बड़ा है परंतु उसके लिए उपाय करना यह भी कर्तव्य है। एक बार क्या हुआ, समुद्र से एक नैया आती रही, नौका आती थी, कई लोग उसमें बैठे थे, बहुत प्राचीन काल की बात है। कहीं से छेद हो गया या क्या हुआ, हवा के झोंके से उसने पानी भरने लगा, तो पानी भरने लगा तो वो जो मल्लाह था नाबाड़ी उसने उससे पानी बाहर उलटना कहा, लेकिन वो अकेले तो कमजोर पड़ा। पानी भरते भरते आ गया, चार अंगुल बाकी है नैया डूबने का, उसमें उसने आशा छोड़ दी और फिर वो पानी निकालना बंद कर दिया। परिणाम ये हुआ कि सबके सब समुद्र के मध्य में नौका डूबी तो सभी लोग डूब गए और सब खत्म हो गए। परलोक में जाने पर मल्लाह को दंड दिया गया यमराज के दरबार में। क्यों दिया गया, कहा गया कि वो नैया बचने वाली नहीं थी, ये बात तो सही, क्योंकि चार अंगुल पानी उसने भरना बाकी था, इसके तब तक तुमने प्रयत्न क्यों नहीं किया, तुमको प्रयत्न करना चाहिए था। वही स्थिति आज है, हमारे जो वेद शास्त्र सदाचार धर्म संस्कृति आदि की रक्षा की बात आती है तो उसको अपने प्रयत्नानुसार यावच्छक्य करते रहना। फल तो परमात्मा देते हैं, कर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुषाराधन कृते अतस्त्वां संप्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढ़परिकरः कर्म सुजनः। ये महिम्न स्तोत्र में भी सब प्रश्नों का समाधान है। वहां कहा कि शास्त्र वेद कहते हैं इसलिए लोग कर्म में आते हैं, लेकिन उससे मध्यस्थ कौन है। हम ये कार्य करेंगे यज्ञ तो हमें ये फल मिलेगा, तो कहते हैं भगवान शंकर परमात्मा एक मध्यस्थ है। अतस्त्वां संप्रेक्ष्य कृतु फलदान प्रतिभुवम, प्रतिभू शब्द का ये द्वितीय अंत में प्रतिभुवम है, प्रतिभू कहते हैं मध्यस्थ, तो मध्यस्थ परमात्मा है, उसको देख करके ही श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढ़परिकरः कर्म सुजनः। इसलिए वेदोक्त मार्ग में दृढ़परिकर रूप में लोग लगे हैं करना है। क्या इन सब बातों की शिक्षा बच्चों को भी देनी चाहिए। अब कहीं ऐसा दिखता है कि धार्मिक अनुष्ठान जो करते हैं सदा पीड़ित रहते हैं, अधर्म से जो चलते हैं ये बड़े अच्छे ढंग से समृद्ध रहते हैं, इसका रहस्य क्या है। तो पूर्व जन्म का कुछ उनके द्वारा भी अच्छा कार्य हुआ है उसका फल वो भी भोग रहे जो इस जन्म में अधर्म से चल रहे हैं, और हम लोग जो हैं हमारे द्वारा भी कोई खराब कार्य हुआ उसका फल भोग रहे हैं, प्रारब्ध इस हिसाब से चलना। एक दूसरी बात है, यह क्लेशाय महते प्रेत्यानंद सुखाय च ब्राह्मणस्य देहोऽयं क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंद सुखाय च। ब्राह्मण का जो शरीर है वो ये जो सांसारिक सब चीजें हैं इसके लिए है ही नहीं। तपस्तप्त्वा सजत ब्रह्मा ब्राह्मणान वेद गुप्तये, ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण शरीर की रचना करते समय तपस्या किया, फिर वेद की रक्षा के लिए उनका निर्माण किया। क्षत्रियों की रक्षा करते समय इंद्र आदि जो दिक्पाल हैं इनका शाश्वती कला को लेकर, जो कभी नष्ट नहीं होती, उस कला को लेकर के क्षत्रिय शरीर का निर्माण किया, इसलिए उसमें विष्णु भगवान का तत्व आने से वो प्रजा रक्षण करता है बता। इसी प्रकार वैश्य आदि को का भी समझिए, सब में कुछ रहस्य है। तो यहाँ पर
भगवान उसमें तो जो लोग गलत मार्ग से रह करके भी फल फूल रहे हैं वो कुछ पूर्व जन्म के कर्म का फल है। तो ब्राह्मण देहो एवं क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छ्राय तपसे च इह, यहाँ कष्ट के लिए ही रहता है तपस्या के, मरने के बाद अनंत सुख या सुख की प्राप्ति उससे होती है। जो इस सृष्टि के परे हैं, जो हमारे इंद्रिय आदि से दिखते नहीं, जो भूत प्रेत पिशाच आदि भी अपना उद्धार हो इसके लिए ये धार्मिकों के यहाँ पहुँचते हैं। जब उनके लिए गया श्राद्ध या भागवत सप्ताह हरिवंश आदि होता है, रामायण पारायण, तो उनका उद्धार होता है। सारांश यह है कि लोग कहाँ जाए, सज्जन के यहाँ ही आएंगे, हमारी रक्षा करोगे और सज्जनों का ही कर्तव्य है। इसलिए क्लेश बहुत आता है या कष्ट उठाना पड़ता है, पर इससे अधीर नहीं होना। यह सत्तो विषीदन्ति प्रवृष्यन्ति ह्यसाधवः धते धैर्यन्तो यो धीमान सधीर पंडितो धवा। पद्म पुराण अंतर्गत भागवत महात्म्य बताया कि इस कलियुग में सज्जन लोग कष्ट पाते हैं और दुष्ट लोग आनंद में रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो धीरज धारण करके रहे उसी को के साथ हैं धीर पुरुष कहते हैं और पंडित कहते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारे आदर्श पूर्व के आचार्य हो गए हैं उनका भी जीवन कष्टमय ही था। किसी भी सत्पुरुषों के चरित्र को देख लीजिए, उसमें कष्ट उठाने में कोई कमी नहीं है, परंतु उन्होंने कष्ट उठा करके हमारे धर्म का जो बीज है, वैदिक संस्कृति का जो बीज है, उसे सुरक्षित रखा। इसलिए उस पर महत्व देना चाहिए। कांची शंकराचार्य चंद्रशेखर सरस्वती स्वामी जी महाराज सातारा में एक बार 8 महीने रहे थे, तो एक दिन वहाँ से निकले और शाहू जी महाराज के या किसी दरबार पर गए। वहाँ पर शिवाजी महाराज का एक चित्र था, उसको स्वयं उन्होंने माला पहनाई। तो किसी ने पूछा आपने इनको माला क्यों पहनाई, तो उन्होंने कहा कि ये महापुरुष यदि नहीं होते तो आज हम कषाय वस्त्र धारण नहीं कर सकते थे, यानी हम संन्यासाश्रम नहीं ले सकते थे। इनके ये उपकार हैं, इस उपकार के लिए हम इनको कृतज्ञता के रूप में ये माला पहना, ये उन्होंने उत्तर दिया। सारांश क्या हुआ, तत्त्व समय में लोगों ने धर्म रक्षा के लिए बहुत कुछ किया है, तो उससे प्रेरणा लेकर के हम उन लोगों को भी उत्साहित होकर के चलना चाहिए। और ब्राह्मण भक्ति, वेद भक्ति और गो भक्ति और संतों की भक्ति, ईश्वर भक्ति में सदा रहना चाहिए। और हम लोगों की जो जड़ है वो बहुत मजबूत है, केवल उसको पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके हिसाब से जब हम चलेंगे किसी एक देवता की दृढ़ उपासना करके चलेंगे, हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर गुरुचरित्र का पारायण चल रहा है, उसका प्रारंभ करके 25 साल हुए। रजत जयंती का समय आया कि हम लोग सूर्य जयंती भी मनाएंगे। तो प्रश्न यह है कि ध्यान देने की ये बात है कि हमारे ये सब आदर्श ग्रंथ हैं, उनमें जो जो बताया एक एक अक्षर सही है, उसमें कहीं भी कोई अशुद्धि नहीं है, न सुधारने की आवश्यकता है। हमको उदार बनना चाहिए, सभी को आदर देना चाहिए। आता विश्वात्म के देवे येणे वाग्यज्ञ तोषावे तोषोनि मदद द्यावे पसाय दान है। ये ज्ञानेश्वरी के अंत में ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, हमने जो गीता के अर्थ की सेवा की ज्ञानेश्वरी रचना के द्वारा, इसे विश्वात्मक जो परमात्मा है वो प्रसन्न हो इस वाग्यज्ञ के द्वारा और वो हमारे ऊपर वर दें। इस वर में उन्होंने सब चीज मांगी है जो आज हम लोग चिंता करते हैं, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो जो दे वांचिल दोते लाहो पर सब दिया। कहते हैं कि ये जो बसायदान है इसका भी नियमित यदि कोई रोज प्रार्थना करे, पारायण करे, तो उसको सब मिलता है भगवान की कृपा। क्यों, ज्ञानेश्वर महाराज ने कृपा प्रार्थना की है भगवान के पास,
और निवृत्तिनाथ के रूप में जो विश्वेश्वर है उन्होंने यथवर्णे श्री विश्वेश्वर हाव योगदान प्रसाव हो या ऐसा ही होगा बताया। तो हम नियमित रूप से भगवान को यदि प्रार्थना करते हैं तो हमारे मनोरथ पूर्ण होंगे और सारा संकट भी दूर होगा और हमें हमारी यदि ठीक सुस्थिति होगी तो आगे ना ब्रह्म क्षत्रम वृद्धोति ना क्षत्रम ब्रह्म वर्धते, ये दोनों मिलकर के ही चलते हैं। क्षत्रिय को ब्राह्मण का साथ चाहिए, ब्राह्मण को क्षत्रिय का। तस्मात ब्राह्मणो राजन्यवान अत्यन्यम ब्राह्मणम, तस्मात राजन्यो ब्राह्मणवान अत्यन्यम राजन्यम, ये भी वेद में बताया मनुस्मृति था। ब्राह्मण को दूसरे राजा का आश्रय यदि मिलता है तो अपने विद्वत्ता आदि को बढ़ा सकता है और क्षत्रिय को ब्राह्मण का यदि होगा तो वो भी अपने राष्ट्र का संवर्धन कर सकता है। तो बहुत बड़ी चीज है इन सबको समझना, वो एक व्याख्यान से समझेगा नहीं। इसके लिए जैसा कहा है दीर्घ सत्रम वा ये तो उपयंती, पुरातन काल में बड़े लंबे लंबे समय तक चलता था। नई मिठे अनिमिष क्षेत्रे शौन का सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सपमासत, बड़े लंबे समय तक वो सत्र याग होता था। उसमें ही एक समय भागवत की कथा भी उन्होंने सुनी। तो जो समस्या है इसको नित्य बैठ करके प्रबुद्ध लोग वर्ष दो वर्ष तीन वर्ष तक यदि विचार करेंगे उसमें निश्चित है आज के समय भी क्या करना चाहिए वो निकल आएगा। तो उसको क्रियान्वित करना चाहिए, ऐसा होने से भारत का जो विश्व गुरुत्व उसमें प्रयत्न करना चाहिए और इसके लिए जो जो लोग प्रयत्नशील हैं उनको उदारता से तन मन धन से सहायता करना सभी का कार्य है। ऐसा होता है तो परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा है और परमात्मा किसी रूप से आएंगे और सबका कल्याण होगा। यहाँ पर दत्तानंद स्वामी जो पूर्व में हो गए हैं उनका संजीवन समाधि है, उनके कृपा से ही हम लोग यहाँ इतना कार्य कर पा रहे हैं। उसके पश्चात अभी जिन जिनका नाम लिया उस मठाधीश और यहाँ व्यवस्था देखने वाले पूर्व के लोग और आज के, इन सबकी कृपा है, अपार उनका परिश्रम है, तप है, इसलिए सबका यहाँ जो 25 वर्ष हुआ इसलिए ये भी एक बड़ा यज्ञ किया गया है, 7 दिन का कार्यक्रम है। ये सफल हो, भगवान की कृपा सब पर हो, सबकी सदिच्छा को भगवान और स्वामी जी महाराज पूर्ण करें, यही प्रार्थना करते हैं। पुंडलीक वरदारि श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंडरीनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव अवधूत चंदन श्री गुरुदेव। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ता न्याय्येन मार्गेण महिम महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। यह जो रजत महोत्सव विश्व कल्याणार्थ जो चल रहा है गुरुचरित्र का और अनेक वेद के कथाओं के द्वारा और अनेक भागवत कथाओं के द्वारा अनेक धर्म का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, हमारे जो मित्र हैं सचिव जोशी जी उन्होंने सारांश मिलाकर 10 प्रश्न पूछे थे गुरुजी से, तो गुरुजी उनके शत उत्तर दे चुके हैं, शत से अधिक उत्तर दे चुके हैं। और बीच में यहाँ पे करंट गया था, क्यों गया था पता है क्या आपको? ये पूरा संसार हम भूल जाकर केवल गुरुजी के वचनों में हमारी श्रद्धा है, हमारा दृष्टि पूरा गुरुजी के वचनों में है, इसलिए वो के सारगर्भित ऐसे शब्द थे और भागवत पुराणों के सारगर्भित शब्द थे, अनेक प्रकार के शास्त्र, हम इस जन्म में इतने शास्त्र नहीं पढ़ सकते, ऐसे शास्त्रों का जो सार अत्यंत, जैसे हम पानी पीते हैं कितना सुलभ होता है पानी पीना एक ग्लास उगाकर, उतने सुलभ शब्दों में हम सबको मार्गदर्शन किया, इसलिए उनके चरणों में अनेक बार वंदन करते हुए ऐसा ही सत्संग हमें बारंबार मिलता रहे, अनेक रूप से मिलता रहे, इस हमारा जो जीवन है यह उद्धार हो, ऐसा उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए यह आज का जो कार्यक्रम है यहाँ से उनके आशीर्वचनों से यह समाप्त होता है। उनके चरणों में नमस्कार करते हुए अभी अगला कार्यक्रम, सभी को शरीर से जो कष्ट हुआ आप सभी लोग जितेंद्रिय, गुरु जी तो जितेंद्रिय है और जितासन है, हम सबको हम 10 बार उठे हैं 10 बार बैठे हैं, पैर
दुख रहे हैं, लेकिन गुरु जी लगातार दो घंटों से हमें उपदेश देते रहे हैं, अनेक प्रकार के उपदेश दिए हैं। ये उनका जो जितेंद्रियत्व है वो बता रहा है, और चितासन है वो अनेक अनुष्ठान ऐसे ही करते रहते हैं 24 घंटे नित्य ना हरि संकीर्तन और परोपकारार्थम इदं शरीरम, उनका जीवन पूरा हम सबके उद्धार के लिए ही हुआ है। और आज मंगलवार और गणेश्वर शास्त्री द्रव्य उनके जैसा नाम है, हम सबके ईश्वर है वो, ऐसे हम मानते हुए जो आज का कार्यक्रम है यह संपन्न हुआ है। अभी सब लोग उनके लिए महाप्रसाद का व्यवस्था हुआ है, हमारे जो मन के धूल है ये सब उनके वचनों से धुल चुके हैं। अभी सब लोगों को जठरा के अत्यंत प्रदीप्त हुआ है, सभी लोग जाकर महाप्रसाद का ग्रहण करते। और कल का कार्यक्रम हमारा आज जैसे ही शांति पाठ से 8:30-9 बजे चालू होगा, उसके बाद कल शाम को जुक्कल के गोपाल शास्त्री महाराज जी का ऐसा ही प्रवचन का कार्यक्रम होगा। तो अभी मंगल आरती के साथ आज का जो कार्यक्रम है यह समापन होगा।
है।